हेलो बच्चों पार्टी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपको ए टू जेड इसमें हम प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं और कंसेप्ट भी डिस्कस आपको ए टू जेड हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आराम से हेडफोन लगा लीजिए, ठीक है। हेडफोन से थोड़ा सा आप ध्यान से कंसेंट्रेशन आपका बना रहेगा। हेडफोन लगा करके जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं ए टू जेड क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। अगर आप पूरी लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो 110% गारंटी है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मेरी बात समझ में आ गई? आपको पूरी लेक्चर देखनी है, बीच में छोड़ दोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कई बार कुछ टर्म हम लास्ट में समझाते हैं, कुछ टर्म मिडल में समझाएंगे, कुछ टर्म स्टार्टिंग में समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरी लेक्चर वीडियो प्रॉपर देखनी है, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी लेक्चर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी बुक उठा लेना और इजीली उसका क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्यों पढ़ते हैं। किसी भी काम को करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा क्या है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ी, अगर नहीं होता तो क्या होता। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप 4 का स्क्वायर रूट बताएंगे कि 2 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बताएंगे 4 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 10 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते। क्या मैंने बोला, -4 का स्क्वायर रूट अगर मैंने आपसे पूछा तो आप नहीं बता सकते, अगर मैंने -16 का स्क्वायर रूट पूछा तो आप नहीं बता सकते बेटा। इसी तरह अगर -100 का भी आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि -2 है तो गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब यह है कि रूट के अंदर अगर निगेटिव टर्म आ जाए तो आप उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव टर्म आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में एक टूल है, उस टूल का क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात समझ में? मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर निगेटिव टर्म को सोल्व करते हैं। बिल्कुल सही, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट है और उस स्क्वायर रूट का निगेटिव टर्म होगा तो उसको निगेटिव टर्म को सोल्व करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। क्या होता है इसके बाद हम लोग डिटेल में आपको बताने वाले हैं। एक चीज और, तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 2 और -2 दोनों नहीं होगा, तो फिर होगा क्या। तो बेटे धीरे धीरे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अभी मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, ये बात तो क्लियर होगी रूट के अंदर निगेटिव टर्म को सोल्व करने के लिए। अब मैं आपसे बात करता हूं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है। तो देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। अब रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, ये हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इन दोनों नंबर को ऐड करने पर जो थर्ड नंबर बनता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। पिक्चर क्लियर हो गई? तो सर रियल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रियल नंबर का। तो रियल नंबर होता है बेटा, अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं, तो अगर मैं रियल नंबर लाइन की बात करूं तो यहां पे ओरिजिन होगा, यहां पे 1, 2, यहां पर 3, कहां तक जाएंगे बेटा, प्लस इंफिनिटी तक, इधर -1 -2 -3, ये कहां तक जाएंगे बेटा, माइनस इंफिनिटी तक। अब ध्यान से देखो 1 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से इंफिनिटी तक के नंबर को नेचुरल नंबर, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक के नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर। 0 से लेकर के, 1 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेकर के होल नंबर को 0 से लेके इंफिनिटी तक के होल नंबर बोलते हैं। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीजर बोलते हैं। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और नंबर लाइन पर अगर हम कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे कुछ भी रिप्रेजेंट है उसको रियल नंबर बोलेंगे,
तो आप बोलेंगे कि सर रियल नंबर और इमेजिनरी इंटीजर में क्या डिफरेंस है। तो बेटा अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं, टू इंटीजर भी है और रियल नंबर भी है। टू जो है, अगर मान लो कोई नंबर है टू, ये रियल नंबर भी है इंटीजर है। अगर मैं बोलूं -10, ये इंटीजर भी है और रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2.5, तो इंटीजर नहीं है बट रियल नंबर है। मतलब जो डेसिमल वाला नंबर होता है वो हमारा इंटीजर नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। अगर जैसे -3.2, ये हमारा इंटीजर नहीं है, रियल नंबर है। तो इंटीजर और रियल नंबर में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। तो मतलब सर रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर लाइन पर, जो कुछ भी नंबर होगा नंबर लाइन पर, कोई भी नंबर अगर रिप्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रियल नंबर बोलेंगे। पिक्चर क्लियर। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सेकेंड कंसेप्ट बेटा, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव आ जाए, ठीक है। कोई भी नंबर लो, अगर उस नंबर का स्क्वायर करने पर वो नंबर निगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव होगा, तो आप बोलोगे नहीं। आप क्या बोलोगे, सोचो, मैं जो पूछा उसका जवाब दो। मैंने क्या बोला, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया का कोई भी नंबर लो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका निगेटिव आएगा, नहीं आएगा, सोच लो, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि निगेटिव आएगा कि नहीं, तो ध्यान से सुनो। आपके आपके हिसाब से तो नहीं आएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि आपके हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन आता है कैसे। मान लीजिए अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं, तो -2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, -2 होगा। ये तो बात पता है ना कि अगर कोई रूट के अंदर है, अगर वो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचता है, -1। अगर मैं रूट के अंदर -3 का स्क्वायर करूं तो क्या होगा, -3 होगा। तो रूट के अंदर जो निगेटिव टर्म होगा उसका स्क्वायर करने पर क्या बनेगा बेटा, निगेटिव बनेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर हो, चाहे रूट -2 हो बेटा, रूट -3 हो, रूट -4 हो, रूट -5 हो, मतलब रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर अगर निगेटिव साइन के साथ है तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। पिक्चर क्लियर। हमने क्या बोला बेटा, इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर होगा, अगर वो नंबर निगेटिव होगा, रूट के अंदर, बाहर की बात नहीं हो रही है, रूट के अगर मैं बाहर बोलूं कि -√2, ये इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, रूट के अंदर होना चाहिए। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव टर्म होगा तो उस टर्म को हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, पिक्चर क्लियर है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो भी क्लियर है, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमने ये बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले और भी चीजें, तो नोट कीजिए बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा। अब मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेटा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है A to Z, अब यहां पर ध्यान से सुनो, Z = A + IB लिखते हैं बेटा, Z = A + IB होगा। तो जो जेड है ना बेटा, इस जेड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस जेड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो है बेटा, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू बोला जाता है। और दो टर्म यहां पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर दो टर्म आपको दिया हुआ है। एक टर्म है जिसमें आई लगा होगा और एक टर्म होगा जिसमें आई नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें आई नहीं लगा है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रियल नंबर। रियल नंबर वो होता है बेटा जिसमें आई नहीं लगा होता है, जैसे यहां पर ए में आई नहीं लगा है तो ए को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और जिसमें आई लगा होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसमें आई लगा हुआ है तो ये वाला इमेजिनरी नंबर होगा, और जिसमें आई नहीं लगा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रियल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रियल नंबर। तो ये क्लियर हो गया कि तो जेड जहां पर भी अब जेड रिप्रेजेंटेशन होगा, आप समझ जाना कि जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1, मतलब टाइप 1 न्यूमेरिकल देखो बेटा।
तो हम सबसे पहले हाउ टू सोल्व रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी नंबर कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर मैंने बोला कि इफ जेड इज इक्वल टू 2 - 3i और फाइंड रियल एंड इमेजिनरी नंबर, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी नंबर, आपको रियल और इमेजिनरी नंबर फाइंड करना है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो रियल नंबर को हम आर ई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आप रियल नंबर बोलिए या मैथ में आर ई जेड लिखा होगा, तो आर ई जेड का मतलब होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया, जिसमें आई नहीं लगा होता है वो रियल नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम जेड से। तो आई एम जेड जहां लिखा होगा इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर होता है, ये कितना है बेटा, -3 है। तो यहां पर हमारा आंसर कितना हो गया, रियल नंबर 2 है और इमेजिनरी नंबर कितना हो गया बेटा, -3 है, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। तो अगर मैंने बोला कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ जेड इज इक्वल टू -2 - 5i, अब यहां रियल और इमेजिनरी नंबर फाइंड करना है, तो बेटा यहां पर रियल नंबर क्या होगा, आर ई जेड रियल नंबर होगा -2 और इमेजिनरी नंबर आई एम जेड क्या होगा, यहां पर होगा -5, ठीक है। आप यहां ऐसा मत सोचिएगा कि -5 होगा, ये गलत है बेटा, सिर्फ आई के जो साथ लगा होता है उसको बोलते हैं। यहां पर आई के साथ क्या है, -5 है, इस -5 को क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर जेड इक्वल टू मैंने बोला 2 है, अब इसका रियल नंबर क्या होगा, तो बेटा इसमें जो रियल नंबर होगा, रियल नंबर 2 होगा और इमेजिनरी नंबर क्या होगा बेटा, इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं, तो इमेजिनरी नंबर क्या लिखेंगे हम, 0। तो रियल नंबर 2 और इमेजिनरी नंबर 0 होगा। अनदर एग्जांपल बेटा, अगर मैंने बोला इफ जेड इज इक्वल टू 3i, अब इसका रियल नंबर कितना है और इमेजिनरी नंबर क्या है बेटा, तो आप रियल नंबर मतलब आर ई जेड है 0, रियल नंबर तो है ही नहीं, और इमेजिनरी नंबर कितना है बेटा, इमेजिनरी नंबर है 3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो रियल और इमेजिनरी नंबर तो कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो गया होगा। तो टाइप 1 में मैंने ये सिखाया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो अब चलते हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 2, मतलब यहां पर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको टाइप 2। तो ध्यान से देखो बेटा कि अगर मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया, आई इज इक्वल टू √-1 होता है, ये आई क्या है बेटा। तो अब हम जो बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ आई, तो यहां पर जो आई है बेटा उसको बोलते हैं आयोटा, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ये आयोटा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। तो जो टाइप 2 है, हमारा हेडिंग है बेटा कंसेप्ट ऑफ आई के बारे में। अब हम ए टू जेड कंसेप्ट ऑफ आई के बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आई की वैल्यू कितना होता है, √-1 होता है, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं बेटा कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप एक सेकेंड लगाएंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बताएंगे बेटा, -1 का स्क्वायर करेंगे आप, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 होगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आई के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको आई के पावर 3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई के पावर 3 को हम लिख सकते हैं आई के पावर 2+1, ऑब्वियस एड करेंगे तो 3 होगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई के पावर 2 × i के पावर 1, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बेस अगर सेम होता है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो दोनों का बेस सेम है पावर को ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब हम आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया, और आई के पावर 1 किसी भी चीज का पावर 1 क्या होगा, सेम होगा बेटा, अब पावर 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -1 × i हमारा आंसर कितना हो गया, -i, यही हमारा फाइनल आंसर है। आ गया बेटा समझ में,
तो आई के पावर थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आई हो गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलो आई के पावर फोर की वैल्यू क्या होगी, तो आई के पावर फोर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या होगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, आई के पावर फोर को हम क्या लिख सकते हैं, आई के पावर टू प्लस टू लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, आई के पावर टू प्लस टू लिख सकते हैं। अब आई के पावर टू इंटू आई के पावर टू लिख सकते हैं, सेम प्रॉपर्टीज, बेस सेम पावर को एड करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, और यहां पर अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन क्या हो गया, प्लस वन हो गया। आ गया बेटा समझ में, तो मैंने क्या बोला, अगर आई की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो यहां आई के पावर फोर की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए हम आई के पावर बड़ी वैल्यू आपसे पूछ लिया, मान लीजिए आई के पावर 2, 2, 7, 5, 6, 9, अगर इसकी वैल्यू हम आपसे पूछेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें 2, 2 करके फाइंड करने में। यहां पर तो हमने यही किया ना, 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जो भी कुछ भी करना था, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं कि आई के पावर अगर कुछ भी हो, ठीक है, आई के पावर दुनिया का कोई भी वैल्यू हो, आप एक सेकेंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बता देता हूं बेटा। तो देखिए, सबसे पहले आप टॉपिक हेडिंग देते हैं हाउ टू सॉल्व आई के पावर एन। आई के पावर एन है, ठीक है, मतलब आई के पावर कुछ होगा और उसको सॉल्व करना होगा, तो एक सेकेंड लगेगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखिए बेटा, तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर वन में क्या करना है, तो जो भी पावर एन है ना, आई का जो भी पावर है बेटा, यहां पर आई के पावर क्या है, एन है, उस एन को फोर से डिवीजन करना है आपको, उस एन को क्या करना है, फोर से डिवीजन करना है, ये जो पावर एन है ना उसको फोर से डिवीजन कीजिए, डिवीजन करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा बेटा, जब डिवीजन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ऑब्वियस है। अब उस रिमाइंडर को क्या करना है, अब उस रिमाइंडर को आई के पावर आर लिखना है और उसको सॉल्व इट करना है, फिर उसको सोल्व करना है। सर ये वाला वर्किंग रूल समझ में नहीं आया, बेटा आना भी नहीं चाहिए, कब आएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, मैंने बोला मैथ है, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा बेटा। तो मैंने क्या बोला कि हाउ टू सोल्व आई के पावर एन, तो जो भी एन है बेटा उस एन को क्या करना है, फोर से डिवीजन करना है, यहां पर जो भी पावर होगा उसको फोर से डिवीजन करना है, फोर से डिवीजन करने पे जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आई के पावर आर लिख करके उसको सॉल्व करना है। ठीक, बस आपको दो बातें याद रखनी है, सबसे पहली बात अभी मैंने बताया आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और दूसरी बात आई के पावर थ्री कितना होता है, माइनस आई होता है। ये दो बातें आप दिमाग में रखिए, उसके बाद दुनिया का कोई भी आई का पावर आएगा आप एक सेकेंड में सॉल्व करेंगे। कैसे, चलिए मैं बताता हूं। तो देखो आप बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला आई के पावर फाइव की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, यहां पर पावर कितना है, एन है, एन कितना है बेटा, यहां फाइव है, फाइव को साइड में जाना है, फोर से डिवीजन करना है, रिमाइंडर कितना होगा, वन, ये नीचे वाले को रिमाइंडर बोलते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, वन, तो हम यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो जो भी रिमाइंडर आया उसको आई के पावर लिखना है, एन को फोर से डिवीजन कीजिए, एन यहाँ क्या है, फाइव, फाइव को फोर से साइड में डिवीजन किया, रिमाइंडर आ गया, वन, नीचे वाले को रिमाइंडर बोलते हैं, तो जो भी रिमाइंडर है उसको कहाँ लिखना है, आई के पावर लिखना है, आई के पावर वन, और आई के पावर वन क्या होगा, आई होगा, यही हमारा आंसर हो गया, है ना कमाल का ट्रिक्स। देखिए अभी और क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर मैंने आपको बोला आई के पावर सिक्स की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या करना है, यहां पर एन कितना है, सिक्स है, उस सिक्स को साइड में जाना है, फोर से डिवीजन करना है बेटा, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर टू, नीचे वाले को रिमाइंडर बोलते हैं, तो उस रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर है आई के पावर लिखेंगे, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, तो यहां पर हमने अभी बताया था माइनस वन, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर मैंने आपको बोला आई के पावर सेवन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पावर कितना है, एन है, एन कितना, सेवन, सेवन को किससे डिवीजन करेंगे, फोर से, रिमाइंडर कितना आएगा, थ्री, नीचे वाला रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को क्या करना है, आई के पावर लिख देना है, तो आई के पावर थ्री, और आई के पावर थ्री कितना होगा,
माइनस आई होता है, अभी मैंने बताया था। तो बस आपको दो बातें याद रखनी है, फिर आई का कोई भी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई की पावर 3 कितना होगा? माइनस आई होगा बेटा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैंने बोला आई के पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है बेटा कि 8 को जो भी पावर है उस पावर को 4 से डिवीजन करना है। तो जब डिवीजन करेंगे तो बेटा रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो जो भी रिमाइंडर है उसको लिख दीजिए। तो आई के पावर 0 क्या होगा? आई के पावर 0 होगा 1। किसी भी दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। तो आई के पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। आ गया बेटा कंसेप्ट? बहुत इजी कंसेप्ट है ना, कमाल का। आई के पावर कुछ भी रख लीजिए, 5 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, कुछ भी रख लीजिए बेटा। अगर आपको ये ट्रिक्स पता है, 4 से डिवीजन करना है, जो भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को क्या करना है? आई के पावर लिखना है, सोल्व करना है। मतलब ये तो मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा था, क्या आप सोल्व कर पाएंगे? हाँ या ना, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताइए बेटा। क्या अब आई के पावर कुछ भी आएगा, क्या सोल्व कर सकते हैं? हाँ सर, सोल्व कर लेंगे। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम और भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, पूरे डिटेल में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोला अगर ये लेक्चर वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब बिल्कुल करना है बेटा। अभी तक भी आप देखिए, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिए? ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब ये कंसेप्ट को आप नोट कीजिए, फिर हम आगे और भी क्वेश्चन अच्छे वाले लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले अच्छे से नोट कीजिए बेटा, नोट साथ साथ करना है तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो अभी आपने क्या देखा बेटा, आई की कोई भी पॉजिटिव पावर अगर आएगा तो आपको कैसे सोल्व करना है? एन को 4 से डिविजन करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा आई के पावर लिख देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, फटाफट आप लोग सोल्व कीजिए बेटा। आई के पावर 11 को सोल्व करना है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी से। आई के पावर 11 सोल्व करना है, कैसे करेंगे बेटा? जल्दी से सोल्व करके बताइए, सोल्व कीजिए फटाफट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बेटा फटाफट। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, 11 को साइड में गए होंगे बेटा, 11 को 4 से डिविजन किया होंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो आई के पावर 3 लिखेंगे, आई के पावर 3 कितना होता है? माइनस आई होता है। यही हमारा आंसर है, यही आया बेटा। वेरी गुड, मतलब ये है कि अगर आई के पावर कुछ भी पॉजिटिव होगा तो आप उसको इजिली सोल्व कर पाएंगे। हाँ है ना, तो ठीक है मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आई के पावर 37, सेकेंड क्वेश्चन आई के पावर 679, थर्ड क्वेश्चन आई के पावर 2020, फोर्थ क्वेश्चन आई के पावर 3789256 3। ठीक है, अब ये चार क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कीजिएगा और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अभी आपने जो सीखा बेटा, आई के पॉजिटिव पावर सीखा कि आई के पॉजिटिव पावर कुछ भी देंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आई के निगेटिव पावर की वैल्यू आपने सॉल्व करना नहीं सीखा। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं आई के निगेटिव पावर। तो आई के निगेटिव पावर कैसे सोल्व करेंगे बेटा, चलिए मैं ध्यान से बताऊं। ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मान लो बेटा आई के पावर -1 की वैल्यू आ गई, तो निगेटिव टर्म को कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आई के पावर -1 को हम 1/i लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स के पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/x लिख सकते हैं। एक्स के पावर -n को क्या लिख सकते हैं? 1/x के पावर n लिख सकते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो आई के पावर -1 को 1/i लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बेटा, यहां पर कुछ भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, तो यहां पर कुछ भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करेंगे? i/i से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? i/i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर बेटा i/1 क्या होता है? i होगा बेटा, और i/i क्या होगा? i² होगा। आई ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई किया, तो i/1 कितना होगा? i और नीचे क्या होगा? i²। i² की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1 होती है। तो i/-1 क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा। यही होगा ना बेटा, एनीथिंग अपॉन निगेटिव, निगेटिव टर्म हो जाएगा।
तो आई अपॉन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर फंडा क्लियर होगा। अगर मैंने बोला आई के पावर माइनस फोर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा बेटा, चलिए ध्यान से देखिए। अगर मैंने बोला आई के पावर माइनस फोर को, तो सबसे पहले अभी मैंने क्या बोला था, इसको पहले पॉजिटिव बना लीजिए। क्या बनाना बेटा, पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आई के पावर माइनस फोर को वन अपॉन आई के पावर फोर लिखेंगे। इसके बाद अब हमें यहां पर कोई भी टर्म होगा हम ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई अपॉन आई से। मैंने अभी तो समझाया कि यहां पर कुछ भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, आई इंटू वन क्या होगा, आई होगा, और आई के पावर फोर इंटू आई क्या हो जाएगा बेटा, आई के पावर फाइव हो जाएगा। ऐड हो जाएगा ना पावर, क्योंकि यहां पर वन यहां पर फोर तो ऐड हो जाएगा। तो अब आई के पावर फाइव को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो साइड में जाएंगे, फाइव को फोर से डिविजन करेंगे, तो रिमाइंडर कितना होगा, वन होगा, ये रिमाइंडर है। तो आई और आई के पावर वन दोनों सेम है, कैंसल हो जाएंगे, हमारा आंसर कितना हो गया बेटा, वन हो गया। आ गया समझ में, तो ठीक है, आई के पावर माइनस फोर को हमने इस तरह से सोल्व करना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला बेटा आई के पावर माइनस टेन को सोल्व करना है, तो आई के पावर माइनस टेन को कैसे सोल्व करेंगे, फिर वही कंसेप्ट, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वन अपॉन आई के पावर टेन लिखना होगा। पिक्चर क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज हमारा काम एक ही है। क्या मैंने बोला, वन उसको पहले पॉजिटिव बना दीजिए वन अपॉन लेकर के, उसके बाद आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर और नीचे आई आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा बेटा, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई, आई इंटू वन क्या होगा आई, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आई के पावर इलेवन। ठीक है, अब हम इस इलेवन को कैसे सोल्व करेंगे, तो इलेवन को जाएंगे साइड में फोर से डिविजन करेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, थ्री होगा, तो आई अपॉन आई के पावर थ्री लिखेंगे। अब आई के पावर थ्री क्या होगा, माइनस आई होता है, तो माइनस आई क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, और माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, माइनस वन होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आई के पावर निगेटिव टर्म को कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या आप कर सकते हैं, आई के कोई भी पावर अगर निगेटिव होगा आप उसको इजिली सोल्व करेंगे, कैसे, पॉजिटिव टर्म फिर आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई करके। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सोल्व कीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए बेटा, वीडियो रोकिए, सोल्व कीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई के पावर माइनस इलेवन क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन। आई के पावर माइनस थर्टीन क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन। माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन। माइनस सेवन थ्री टू फाइव फोर फाइव इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चार क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, और ये चारों क्वेश्चन सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बता दीजिए, हो जाएगा बेटा। तो वीडियो रोकिए और जल्दी से सोल्व कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम सोल्व कीजिए, फिर भी और भी कंसेप्ट बचा हुआ है आगे समझाने के लिए, नोट कीजिए बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, कि माइनस माई रूट अंडर माइनस वन के पावर फोर एन प्लस थ्री इसकी वैल्यू क्या होगा, और इसके सेकंड क्वेश्चन आई के पावर फोर एन प्लस वन माइनस आई के पावर फोर एन माइनस वन अपॉन टू है इसकी वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता है पहले ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपको बोला आई के पावर आई आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई के पावर फोर, इन चार टर्म का हम पहले देखते हैं कि होता क्या है। तो आई आई क्या होता है आई, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, आई के पावर फोर क्या होता है वन होता है, ये होता है ना। अभी मैंने आई की वैल्यू सोल्व करना सिखाया, सबकी वैल्यू यही होती है। आप इसको देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो माइनस से प्लस माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया, मतलब ये जो फोर कंसेक्यूटिव टर्म होता है ना, मतलब चार अगर लगातार आई के पावर कुछ भी रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। हमने एक यहां से कंसेप्ट फाइंड किया, क्या मैंने बोला बेटा कि अगर चार लगातार टर्म होने चाहिए, जैसे मैंने अगर बोला आई के पावर 78, आई के पावर 79, आई के पावर 80, आई के पावर 81, अगर ये देखिए चारों टर्म लगातार हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। एक भी टर्म बीच में मिस नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। तो अगर सभी टर्म यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है और चार होने चाहिए,
चार से पांच नहीं होना चाहिए, ठीक है, टोटल कितने होने चाहिए, फोर होने चाहिए। तो फोर कंसेक्यूटिव टर्म का सम क्या होता है, जीरो होता है, चाहे कोई भी हो, 2015, 16, 17, 18, अगर चार लगातार टर्म है, कोई भी टर्म हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। एक यहां से आपने कंसेप्ट सीख लिया, कंसेप्ट नंबर, अब इसी चीज को हम ऐसे नोट करके आपको बता देता हूं बेटा कि i के पावर अगर 4n है, ठीक है, 4n है प्लस i के पावर 4n प्लस 1 है प्लस i के पावर 4n प्लस 2 है प्लस i के पावर 4n प्लस 3 है, फोर कंसेक्यूटिव टर्म है, इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब 4n के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, मतलब ये है कि अगर चार लगातार टर्म होंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं बेटा, तो हम ये जानते हैं कि माइनस रूट आई की वैल्यू क्या होती है, इस आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन होता है। तो जहां पर आई है, यहां पर माइनस वन है, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, माइनस आई का होल पावर 4n प्लस 3। क्यों बेटा, हमने रूट अंडर माइनस वन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर माइनस वन होती है। तो हमने यहां रूट अंडर माइनस वन को क्या कन्वर्ट कर दिया बेटा, आई में कन्वर्ट कर दिया। तो आई के पावर क्या हो गया, 4n प्लस 3 हो गया। अब हम जानते हैं बेटा कि अगर बेस सेम है तो पावर को एड कर सकते हैं, हा या ना, तो यही टर्म तो हम इस इधर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस वन, माइनस वन इंटू आई लिख सकते हैं, वन को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 4n प्लस 3 हो गया बेटा। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो यहां पर हो गया माइनस वन इंटू आई के पावर 4, तो हम माइनस वन का होल पावर 4n प्लस 3 हो गया इंटू आई का होल पावर 4n प्लस 3, हमने सेपरेट सेपरेट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब माइनस वन का पावर कुछ भी कर लीजिए, तो माइनस वन का पावर अगर हम ऐसा करते हैं बेटा, माइनस वन का पावर 4n कर लेते हैं इंटू माइनस वन का पावर 3 कर लेते हैं, हम बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अगर दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर को एड कर लेंगे, यही होगा। तो आई के पावर माइनस वन पॉजिटिव होगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, आई के पावर 4n इंटू आई के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही होगा ना बेटा। और आई के पावर अब यहाँ पे माइनस, ये निगेटिव हो जाएगा, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव कितना होगा, माइनस वन होगा। अब i के पावर 4n है, ये क्या है बेटा, 4n है, तो हम i के पावर 4 का होल पावर n कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू i के पावर 3 की वैल्यू कितना होती है, माइनस i होती है, i के पावर 3 क्या होता है बेटा, माइनस i होता है, तो हमने यहां पर लिख दिया। अब ये बताइए कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, i 4 कितना होता है बेटा, आई फोर की वैल्यू होती है 1 होती है, 1 होती है ना बेटा, 4 से डिवीजन करते रिमाइंडर 0, आई के पावर 0 1, मतलब हमारा आई के पावर 4 की वैल्यू 1, 1 के पावर n क्या होगा, 1 ही होगा इनटू माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1, 1 के पावर n क्या होगा, 1 ही होगा माइनस आई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस 1 इनटू माइनस आई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। तो फर्स्ट कैंसर क्या हो गया, आई हो गया, यहां तक बेटे क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आई के पावर 4n प्लस 1 माइनस आई के पावर 4n माइनस 1 है, अब अपॉन 2 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई के पावर 4n इंटू आई के पावर 1 लिख सकते हैं, क्यों, सेम प्रॉपर्टी, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा बेटा, 4n इंटू आई के पावर माइनस 1 हो गया, ठीक है, अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में 2 होगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर हम लिख सकते हैं आई के पावर 4 के पावर n इंटू आई के पावर 1, आई के पावर 1 क्या होगा, 1 किसी भी चीज का पावर सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर क्या हो जाएगा, आई के पावर 4 का होल पावर 1 आई इज इक्वल टू पावर माइनस 1 अपॉन 2 होगा। तो i के पावर 4 क्या होता है, 1 होता है ना बेटा, 1 के पावर n क्या होगा, अभी मैंने बोला
वन के पावर एन कितनी होगा, वन ही होगा। ठीक है बेटा, वन के पावर एन वन होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन इंटू आई माइनस वन, वन के पावर वन, यहां भी वन हो गया, इंटू आई के पावर माइनस वन अपॉन टू हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, आई माइनस आई के पावर माइनस वन अपॉन टू लिखेंगे, आई अपॉन आई वन अपॉन आई अपॉन टू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, तो आई के पावर माइनस वन को हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन आई। तो चलिए हम वन अपॉन आई को सोल्व कर लेते हैं। तो वन अपॉन आई को क्या करेंगे, आई आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आई का टर्म नीचे होगा तो हम किसे मल्टीप्लाई, आई अपॉन आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई अपॉन आई से क्या ऊपर आई हो, नीचे क्या हो गया बेटा, नीचे माइनस वन हो गया। क्यों, क्योंकि आई 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 स्क्वायर होता है और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन होता है। आप इसको ऐसे करेंगे तो होगा ना, ठीक है। तो अब आई और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो गया, तो आई अपॉन माइनस वन क्या होगा, माइनस आई होगा। तो ये वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं, तो वन माइनस माइनस आई अपॉन टू हो गया, हमारा क्या बचा बेटा, वन प्लस आई अपॉन टू। तो यहां पर आई के पावर फोर एन प्लस वन अपॉन टू अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा बेटा, यहां पर एक टर्म हम जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आई होगा आई, और आई आई कितना होगा, टू आई, ये वाला आई हमें मिसप्रिंट था, ठीक है बेटा। तो ये आई होगा ना, तो आई प्लस आई कितना होगा, टू आई अपॉन टू कितना हो गया, कैंसिल होके क्या हो गया, आई। और यही हमारा फाइनल आंसर है ना, बहुत ईजी बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप उसको इसको क्या करना था, छोटे छोटे टर्म में हमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना था, ठीक है। तो अब इसी तरह के एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि i के पावर 7825 माइनस 2i के पावर 37985 प्लस 3i के पावर 77 अपॉन 2i के पावर माइनस 378925 प्लस 4i के पावर माइनस 38, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको क्या करना है, सबको सेपरेट 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 टर्म में सॉल्व करना है, सबको i के पावर सेपरेट सॉल्व करना है और इस पर इसकी वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बात और ध्यान देना बेटा, एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से देखो, अगर जैसे मान लो 2i के पावर 3 है तो आपको 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 जो मैग्नीट्यूड होता है उससे आयोटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई क्यू कितना होता है, माइनस आई होता है, तो 2 यहां पे आ गया माइनस 2i, मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ सिर्फ किसको सॉल्व करना है, इमेजिनरी टर्म को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा बेटा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं, नोट कीजिए बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया, कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी, ठीक है। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहां पर इन सभी टर्म को सोल्व करके ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, चलिए मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूं, ठीक है। तो हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अब वन वन माइनस आई के पावर क्या है, फोर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको अब क्या करेंगे, वन माइनस आई का स्क्वायर करेंगे, तो ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। अब यही फार्मूला हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो ए इक्वल टू कितना होगा, ए इज इक्वल टू वन है और बी इज इक्वल टू माइनस आई है, यही है ना बेटा। अब इसी को हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहां पर वन का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस टू आई का होल पावर टू हो जाएगा, क्योंकि हमने इस टर्म को तो सॉल्व कर दिया, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, माइनस वन, तो वन का स्क्वायर वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और माइनस टू आई का होल स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है बेटा, हमने बस यहां पर पुट कर दिया। अब वन और वन कैंसिल हो गया, माइनस टू आई का पावर कितना हो गया बेटा, टू हो गया। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या होगा, फोर आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर आई स्क्वायर।
और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो हमारा आंसर कितना हो गया बेटा माइनस फोर हो गया। आ गई बात समझ में? तो अब हमें इस फॉर्मेट में लिखना a प्लस आई बी, हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस फोर प्लस जीरो आई, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पर a इक्वल टू माइनस फोर एंड b इक्वल टू जीरो होगा बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 3 प्लस 2i का स्क्वायर है, यहां पे क्यूब हो सकते हैं, कुछ भी होगा, बस सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। तो यहां इस पे क्या लिखेंगे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। a इक्वल टू कितना 3 है, b इक्वल टू कितना है बेटा 2i है, बस यहां पर पुट कर दीजिए। तो क्या होगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2i, यही होगा बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहां पर क्या होगा 4i स्क्वायर, यहां पे क्या होगा 6 12 होगा 12i। अब i स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है माइनस 1, तो यहां पे माइनस 4 हो गया प्लस 12i, तो 9 ये कितना हो गया बेटा 5 प्लस 12i, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हो गया बेटा, हमें a प्लस ib मतलब रियल और इमेजिनरी टर्म में कन्वर्ट करना है। a प्लस आईबी का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी टर्म में हमने कन्वर्ट करना, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर a इक्वल टू 5 होगा और b इक्वल टू 12 होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है 2 × 3 − 4i − 3 × 2 + 5i, तो हम क्या करेंगे बेटा इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × − कितना होगा 8i, यहां पर क्या होगा −6 − 15i। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया −8i और −15i, तो यहां पर हो गया बेटा −23, यही होगा ना बेटा, ठीक है। अब −23i हो गया, अब यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में किससे लिखे कैसे लिखेंगे, तो 0 − 23i, यही हमारा आंसर हो गया। तो आ गई बात समझ में बेटा? तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, फटाफट सोल्व करके आप चैट बॉक्स में बता दीजिए बेटा, ठीक है। तो देखिए ठीक है, अब ये है, अब इसको सोल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक हो जाएगा बेटा। एक अनदर क्वेश्चन, ठीक है इसको भी सोल्व कर दीजिएगा बेटा, ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, 3 − 4i का होल क्यूब। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इवैल्यूएट करना है इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करने की क्या होगी, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या है बेटा √-4 × √-25। तो देखिए अगर मान लीजिए रूट अंडर ए है, कोई भी टर्म है ए, एक जगह पे कोई नंबर होगा कांस्टेंट नंबर, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं −1 × a लिख सकते हैं, हाँ है ना, -1 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने इसके अंदर 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है √-1 होती है, स्टार्टिंग में बताया था बेटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √a लिख सकते हैं। मतलब हमने ये देखा कि अगर √-a को हम √a लिख सकते हैं, मतलब माइनस को बाहर ले लेंगे और हमारा अंदर वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं बोलू −b को हम क्या लिख सकते हैं बेटा √b लिख सकते हैं, मतलब ये है कि अगर कोई भी निगेटिव टर्म हो उसको पॉजिटिव बनाना है तो √-minus है तो उसको √b लिख सकते हैं, पिक्चर क्लियर। अब यहां पर देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर हम लिख सकते हैं √4 × √25। अभी मैंने बताया कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर i को क्या, यहां पे क्या लिख सकते हैं i × 2 × i × 5, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे i × i,
आई स्क्वायर 2 इंटू 5 10 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 हमारा आंसर हो गया -10। आगे बच्चा पार्टी तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया -10। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर क्या हो गया आई रूट 100 यहां पर क्या हो गया बेटा यहां पर आई तो है नहीं तो रूट 64 हम इसको क्या लिखेंगे अब 100 को 10 लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 80i। क्यों क्योंकि यहां पर आई नहीं है निगेटिव टर्म होगा तब तो हम आई लिखेंगे ना तो हमारा आंसर कितना हो गया 80i। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा तो यहां पर ऊपर हम क्या लिख सकते हैं आई रूट 36 और यहां पर क्या लिख सकते हैं आई रूट 25 यही लिखेंगे बेटा ठीक है। अब हम 36 को क्या लिख सकते हैं 6i अपॉन 5i आई यही कैंसिल हो गया हमारा आंसर हो गया 6/5 ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए हमने क्या किया हम यहां पे क्या लिख सकते हैं आई रूट ए इंटू आई रूट बी मतलब हम आई स्क्वायर रूट अंडर ए भी होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1 तो माइनस रूट अंडर ए बी या इसी टर्म को हम लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर ए बी यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आ गया बेटे समझ में ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए इफ 4x प्लस 2 प्लस yi इज इक्वल टू 8 प्लस 5xi फाइंड x एंड y तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि जो x है रियल वाले को रियल से इक्वेट कर दीजिए तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया x की वैल्यू कितना हो गया 8 अपॉन 4 बोले तो 2 हो गया पिक्चर क्लियर। अब हम इसको क्लियर देखते हैं बेटा तो क्या होगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 5x i वाले i दोनों साइड क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया तो 2 प्लस y इक्वल टू 5x तो y इक्वल टू कितना हो गया 5x माइनस 2। अब x की वैल्यू कितना है x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 2 10 माइनस 2 तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। आ गया बेटा समझ में तो सिंपल क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकते हैं यहां पर क्या होगा तो रियल वाले को रियल से इक्वेट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा बेटा और यहां पे इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे आई आई कैंसिल हो गया y इक्वल टू क्या होगा यहां पर भी 2 आ गया यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बच्चों पार्टी नोट कीजिए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं नोट कीजिए बेटा तो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 ठीक है एक अनदर एग्जांपल हो बेटा x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब मान लीजिए यहां पर मैंने बोल दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है अब इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है कैसे सॉल्व करेंगे बेटा चलिए ध्यान से देखिए तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस 3 होगा सिंपल सी बात है। अब यहां से x की वैल्यू क्या होगा बेटा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 यहां से x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस आई रूट 3 जब भी निगेटिव टर्म होगा हम क्या लगा देंगे बेटा आई अभी तो बताया था प्रीवियस कंसेप्ट में कि जब भी निगेटिव टर्म होगा हम क्या लिखेंगे आई रूट 3 लिखेंगे मतलब आई बाहर आ जाएगा यहां पर क्या होगा x स्क्वायर इक्वल टू 3 x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस रूट 3 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कीजिए या आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कीजिए जैसे मान लीजिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इस फॉर्मूले के हेल्प से हम x की वैल्यू क्वाड्रेटिक वैल्यू को फाइंड करते हैं ठीक है। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो हो जाता है लेकिन मैक्सिमम सभी क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता तो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता वो इस क्वेश्चन से होगा इस फॉर्मूले से होगा। तो देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा a इक्वल टू 1 होगा यहां से b x की वैल्यू कितनी है 3 तो b इक्वल टू 3 होगा और c इक्वल टू क्या होगा
टू होगा, ठीक है बेटा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, मतलब माइनस थ्री प्लस माइनस, एबीसी की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस फोर इंटू टू मतलब एट, अपॉन क्या होगा टू इंटू वन होगा। यहां से x की वैल्यू क्या होगा, माइनस थ्री प्लस माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, नाइन माइनस एट क्या होगा वन होगा बेटा, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री प्लस वन अपॉन टू, माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू, यहाँ x की वैल्यू क्या हो गया माइनस वन और यहाँ पर माइनस टू, x की टू डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है बेटा। तो अब इसी तरह का मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं और आप उसको सोल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू जीरो, और थर्ड एग्जाम्पल है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। एक अनदर एग्जाम्पल बेटा रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस रूट सेवन इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स की वैल्यू। जल्दी से इसको सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, एबीसी की वैल्यू मानना है और पुट करके लिखते सोल्व कर देना है, सिंपल सी बात है। आ गई बात समझ में, तो चलिए नोट कीजिए फिर हम आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाते हैं बेटा, नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं बेटा एक अच्छा सा कंसेप्ट आपको सिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग दीजिए बेटा एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हम इसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाने वाले हैं, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बेटा अगर मान लीजिए जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया होगा, ठीक है, जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया है, और जेड टू इक्वल टू क्या दिया है बेटा सी प्लस आई डी दिया हुआ है। जेड वन क्लियर है ए प्लस आई बी, जेड टू क्या है बेटा सी प्लस आई डी दिया है। अब हमें ये फाइंड करना है कि एडिशन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, तो देखिए बेटा तो जब हमें एडिशन करना है जेड वन प्लस जेड टू करना है तो रियल वाले को रियल के साथ ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड करेंगे बेटा, रियल वाले टर्म को रियल के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी वाले टर्म को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। तो ए प्लस सी प्लस आई डी प्लस आई बी, तो हम इसको रियल वाले को रियल के साथ सेपरेट कर दिए और यहां से आई कॉमन लिया तो बी प्लस डी हो गया। मतलब हमने क्या सीखा कि एडिशन रियल वाले नंबर को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी वाले नंबर को इमेजिनरी के साथ करेंगे, कभी रियल और इमेजिनरी दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर हमने एडिशन सीखा। अब सेकेंड कंसेप्ट बेटा, अगर मैंने बोला कि सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जेड वन माइनस जेड टू का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, तो जेड वन माइनस जेड टू का जो सब्ट्रैक्शन होगा बेटा सेम रियल वाले में से रियल, रियल में से रियल माइनस होगा प्लस इमेजिनरी वाले टर्म में से इमेजिनरी माइनस होगा। मतलब ये है कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है सेम कंसेप्ट होता है, रियल में से रियल ऐड होगा और रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी ऐड होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब सब्ट्रैक्शन में भी वही कंसेप्ट, रियल में से रियल माइनस इमेजिनरी में से इमेजिनरी टर्म माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट की। तो अगर मैंने बोला कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है जैसे टू है, अगर टू को जेड वन के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करना है, टू माइनस टू थ्री हंड्रेड कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करेंगे, वो रियल के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। अगर टू कॉन्स्टेंट है तो जेड वन में जो रियल नंबर होगा उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी टर्म है उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट कॉन्स्टेंट डिवीजन की, तो कॉन्स्टेंट डिवीजन का मतलब क्या, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें कोई कॉन्स्टेंट डिवीजन होगा। मतलब जैसे Z2 अपन मान लीजिए 3 में बोल दिया, Z2 क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है C plus ID, अब इसको 3 से डिवीजन कर दिया तो क्या होगा, तो रियल वाले से भी डिवीजन होगा और इमेजिनरी वाले टर्म दोनों से डिवीजन होगा, ठीक है बेटा। तो हमें क्या करना है,
रियल वाले टर्म को भी डिवीजन करना है और इमेजिनरी वाले टर्म से डिवीजन होगा। मतलब अगर कॉन्स्टेंट टर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो रियल वाले के साथ भी होगा और इमेजिनरी के साथ भी होगा। आगे बच्चा बटी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर मैं बात करूं कंसेप्ट फिफ्थ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर कॉन्स्टेंट था, कोई कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता था, यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो देखो बेटा a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसमें हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो रियल है वो रियल के साथ भी होगा और इमेजिनरी के साथ भी होगा। जो अब यहां पर क्या होगा, ए सी प्लस ए आई डी, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है बेटा, ये इमेजिनरी वाला रियल के साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है वो नॉर्मल होता है जो पहले आप करते आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लीकेशन जो पहले हम बचपन में करते आ रहे हैं उसी तरह होगा। बाकी कंसेप्ट अलग था लेकिन ये वाला क्या था, मल्टीप्लीकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम कंसेप्ट से होता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी, अब यहां से आई कॉमन ले लिए तो ए डी प्लस बी सी हो गया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी डी, तो रियल वाले रियल टर्म से ले लिया और इमेजिनरी वाले को क्या किया, इमेजिनरी टर्म से ले लिया, मतलब सेपरेट दोनों का टर्म हमने कर दिया। ये हो गया कॉन्स्ट, ये हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जेड वन अपॉन जेड टू होगा तो क्या होने वाला है, तो बेटा जेड वन की वैल्यू मान लो ए प्लस आई बी है, हमें क्वेश्चन में दिया, हमने कंसेप्ट में दिया हुआ है, और जेड टू की वैल्यू क्या है बेटा, सी प्लस आई डी है। तो जब भी ऐसी वैल्यू हो तो आपको हमेशा यहां पर ध्यान देना, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में एक छोटी सी बात बता रहा हूं, पूरा हमेशा हमेशा टोटल चैप्टर में आपको यूज करना होगा कि जब भी आई का टर्म नीचे होगा, ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी क्या मैं बोल रहा हूं, जब भी आई का टर्म नीचे होगा तो आप हमेशा 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 रेशनलाइजेशन करना, जब भी आई का टर्म होगा बेटा आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो यहां पर अगर हम रेशनलाइजेशन करें बेटा तो जो नीचे वाले का इमेजिनरी का साइन है क्या होता है, रेशनलाइजेशन में ये वाला चेंज हो जाता है। आ गई बात समझ में, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो दोनों जगह क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। अब हम ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करना तो ऑलरेडी मैंने सिखा रखा आपको, नहीं ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हमने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सीखा, सबट्रैक्शन सीखा, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन सीखा, कॉन्स्टेंट डिविजन सीखा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसके बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ए और बी की जगह पुट करना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इफ जेड वन इक्वल टू टू प्लस थ्री आई एंड जेड टू इक्वल टू फोर माइनस सिक्स आई, फाइंड करना है बेटा जेड वन प्लस जेड टू क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा, टू जेड वन क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन जेड टू अपॉन फाइव क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन जेड वन इंटू जेड टू क्या होगा, सिक्स क्वेश्चन जेड वन अपॉन जेड टू क्या होगा, और ये आपका सिक्स क्वेश्चन आपका, ये बेसिक है सिंपल, टू प्लस फोर अगर एडिशन करना है तो टू प्लस फोर सिक्स और थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, तो टू सिक्स माइनस थ्री आई, सिंपल सा एडिशन हो गया। तो आप इसको सोल्व करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है बच्चा पार्टी, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, इसका नाम ही है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए टू जेड मॉडुलस के बेस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट का क्या नाम है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो मॉडुलस को हम मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जेड के जेड लिखने के बाद अगर हम दो लाइन ऐसे खींचते हैं इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको लिखते हैं मॉड जेड, ये ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मॉडुलस को इन्हीं दो टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बेटा एक्चुअली मॉडुलस होता क्या है, तो मान लो बेटा जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया होगा, ठीक है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया है। अब हमें जेड का मॉडुलस फाइंड करना है, इसमें क्या होता है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट के जो साथ है उसका स्क्वायर करते हैं, यही हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया बेटा कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो जो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो ए मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और आई के जो साथ है आई को हम रिमूव कर देते हैं, जो आई है उसको हम क्या करते हैं बेटा रिमूव कर देते हैं, तो आई के जो साथ कोफिशियंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आई को हम रिमूव करते हैं, सिर्फ बी का स्क्वायर करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं आई को साथ में रखते हैं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर है बेटा और आई यहाँ पर नहीं है, सिर्फ किसका है आई के जो साथ है उसका स्क्वायर है और रूट अंडर कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं बेटा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे तो हमें फंडा और क्लियर होगा। तो नोट करके कुछ बात बता देते हैं बेटा कि जो मॉड जेड है ना ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैंने बोला बेटा यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए अगर मैंने बोला कि जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू आई, इसका मॉड जेड फाइंड करना है, मतलब मॉडुलस फाइंड करना है, फाइंड मॉडुलस। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ए इज इक्वल टू कितना है वन है, ए इक्वल टू वन है बेटा, बी इक्वल टू कितना है आई के जो साथ है वो हमारा बी हो गया, तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी वन का स्क्वायर प्लस आई के जो साथ है उसका टू का स्क्वायर रूट अंडर, तो वन का स्क्वायर वन, टू का कितना होगा बेटा फोर, बोले तो मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर रूट फाइव हो गई, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो अब हम एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने बोला जेड इक्वल टू टू माइनस थ्री आई, फाइंड मॉड जेड, ठीक है, फाइंड मॉडुलस। तो कैसे सोल्व करेंगे बेटा, अगर हम यहां पर सोल्यूशन इसकी बात करें तो ए इक्वल टू कितना होगा, a इज इक्वल टू टू होगा, b इक्वल टू कितना होगा बेटा माइनस थ्री होगा, तो अगर हम मॉड जेड की बात करें तो क्या होगा टू का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होगा फोर और थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन, बोले तो मॉड जेड कितना हो गया बेटा रूट अंडर थर्टी। तो हमने क्या देखा कि अगर पॉजिटिव टर्म होगा तो a की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और अगर निगेटिव टर्म है तो निगेटिव लेंगे, बट लेकिन क्या होगा कि जो रूट के जो ये निगेटिव टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि अगर पॉजिटिव टर्म होगा तो लेंगे और निगेटिव होगा तो निगेटिव टर्म को लेंगे, बट यहां पर हमने आई को किसी भी क्वेश्चन में कंसीडर नहीं किया, ये गलती है बार बार एग्जाम में करेंगे बेटा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर मॉडुलस फाइंड करना है तो ए मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं रूट के अंदर करते हैं, सोल्व कर देते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मॉडुलस की बताएंगे, फिर आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, तो इसको नोट कीजिए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा मॉडुलस का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड इज इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री आई, फाइंड मॉडुलस। तो अगर इसका इस क्वेश्चन में मॉडुलस फाइंड करना होगा बेटा तो हम क्या करेंगे, जेड का जो मॉड होगा माइनस टू का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और हम इसको जब सोल्व करेंगे टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन, तो यहां पर क्या हो गया मॉडुलस जो होगा बेटा रूट अंडर थर्टीन हो गया, यही होगा ना बेटा, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहां पर हमने देखिए यहां पर क्या किया माइनस टू लिया और यहां पर माइनस थ्री, ए की वैल्यू माइनस टू एंड बी की वैल्यू माइनस थ्री हो गया। मान लीजिए बेटा जेड इज इक्वल टू सिर्फ टू है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो फाइंड मॉडुलस। तो हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, ए इज इक्वल टू टू है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं
तो a इज इक्वल टू क्या है बेटा, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो यहां पर मॉड z क्या होगा, सिर्फ 2 का स्क्वायर होगा। इमेजिनरी 0 का स्क्वायर रखें चाहे नहीं रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रूट 4 मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। तो यहां पर मॉड z की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। एक अदर एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने बोला कि z इज इक्वल टू सिर्फ 3 आई है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होगा बेटा, चलिए ध्यान से देखिए। तो यहां पर इमेजिनरी का b की वैल्यू क्या है, 3 है, b इक्वल टू 3 है, एंड a इज इक्वल टू क्या है बेटा, रियल पार्ट यहां पर 0 है। तो जब हम मॉड z फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 3, मतलब 3i का मॉडुलस क्या होगा बेटा, 3 होगा। तो अगर सिंगल रियल टर्म हो या सिंगल इमेजिनरी टर्म हो तो सिर्फ उसी का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, वही हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर मैंने बोला कि z इज इक्वल टू 1 + i, 1 - i, फाइंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि z की वैल्यू जो भी है 1 + i, 1 - i है, तो इसको जब भी i का टर्म हम आयोटा का टर्म नीचे होता है, मतलब डिनोमिनेटर में जब भी i का टर्म होता है तो हम हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, जो नीचे वाला साइन इमेजिनरी का है वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होता तो निगेटिव होता, मतलब ये जो नीचे टर्म है, नीचे वाला जो टर्म है आई की वैल्यू वो अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 + i * ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे बेटा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, a + b, a + b, तो हम a + b और a + b क्या होता है बेटा, a + b और a + b को हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, और a - b और a + b इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a² - b², यही फार्मूला होता, ये दोनों फार्मूले को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा, 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बेटा, 1 + 1 - i, 1 + i, मतलब ये सेकेंड वाला फार्मूला, तो 1² - i² हो गया, यही होगा बेटा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होगा बेटा, और नीचे क्या होगा, 1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो जहां जहां आई स्क्वायर है वहां पर हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आगे देखते हैं। तो हमारा क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1, आई की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1, और यहां पर क्या होगा, 2i अपॉन में क्या होगा बेटा, 1 + 1 हो जाएगा, -1 क्या होगा, प्लस होगा, तो z इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, 2i / 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, z इक्वल टू क्या बचा, आई हो गया। अब हमारा जो z का जो मेन टर्म बचा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको सॉल्व करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आई, z इक्वल टू ii। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो मॉडुलस क्या होगा, z मतलब कुछ i की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब i का कोफिशिएंट यहां कितना है, 1 है, तो यहां पर मॉड z की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, मतलब हमारा z की जो अगर इसकी मॉडुलस की बात की जाए तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि जब भी i का टर्म हो बेटा तो i के टर्म को हम हमेशा पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करने के बाद जो z की वैल्यू आएगी, मतलब हमें z की वैल्यू क्या लानी है, रियल और इमेजिनरी टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये इस टर्म को हम रियल और इमेजिनरी टर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जब भी रियल और इमेजिनरी कन्वर्ट हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, मॉडुलस टर्म का सॉल्व कर देना है, मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का रूट अंडर स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। तो नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है और दोनों क्वेश्चन हमारा मॉडुलस के बेस पे है, तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस कंसेप्ट के थ्रू सोल्व करना है। तो चलिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा, आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इफ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी E plus IF, G plus IH equal to A plus IB है, then prove that A square plus B square, C square plus D square, E square plus F square, G square plus H square equal to A square plus B square है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन हम डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन आपके लिए ये दिया हुआ है बेटा, A plus IB, C plus ID, E प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहां पर A और B कैपिटल भी है और यहां पर A भी हमारा स्मॉल में, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखो, तो हमें सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है बेटा कि टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस लेंगे। अगर हम दोनों साइड मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा बेटा, मॉडुलस का क्या कंसेप्ट था कि इसका स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे बेटा। मॉडुलस में क्या होता है, यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, यही टर्म होगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट अंडर। यहां पर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट अंडर। यहां पर भी यही होगा बेटा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट अंडर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। मॉडुलस में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है ना बेटा। तो ठीक है, अब हम स्टेप वन में टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, अब स्टेप टू में क्या करेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां के बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये जो रूट है क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, यहां पर क्या होगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर होगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही रूट अंडर होगा और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गया बेटा कंसेप्ट, मतलब हम यहां पर क्या बोलेंगे, हैंस प्रूफ। यहां पर हमें क्या करना था कि सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया था उसको लिखना था, उसके बाद हमने क्या किया, मॉडुलस फाइंड किया। क्या किया बेटा, मॉडुलस, दोनों साइड मॉडुलस लिया, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड मॉडुलस लिया, फिर क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, बस हमें यही काम करना है, ठीक है। मतलब मॉडुलस लिया और स्क्वायरिंग किया, दो काम किया, हमारा आंसर आ गया। चलिए सेम इसी तरह के क्वेश्चन इसको भी सोल्व करते हैं। यहां पर क्या है बेटा, इफ वन प्लस आई वन प्लस टू आई वन प्लस थ्री आई डॉट डॉट वन प्लस एन आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन सो दैट 2 into 5 into 10 dot 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 1 plus n square is equal to x square plus y square। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले यहां पर मैंने क्या किया था, जो भी दिया हुआ है आपको आइडेंटिटी लिखना है, तो यहां पर जो गिवन है बेटा आप उसको लिखिए। यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 plus i 1 plus 2i 1 plus 3i यहां पर dot dot 1 plus n i is equal to x प्लस आई वाई, ये दिया हुआ है बेटा। अब स्टेप नंबर वन, स्टेप वन में क्या करेंगे बेटा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस लेंगे। जब दोनों साइड मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस आई के साथ क्या है कोफिशिएंट, कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन का स्क्वायर वन स्क्वायर रूट अंडर ले लेंगे। यहां पर क्या होगा बेटा, वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर रूट अंडर, यहां पर क्या होगा बेटा, वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर रूट अंडर होगा, डॉटेड डॉट वन प्लस वन का स्क्वायर एन स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर हमने ले लिया। अब स्टेप वन में क्या किया, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। अब हम स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में क्या करेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पर हमने क्या करना, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे बेटा। तो जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, वन का वन वन टू हो जाएगा, यहां पर क्या होगा टू टू और फोर फाइव हो जाएगा बेटा, यहां पे
थ्री नाइन और वन टेन हो जाएगा, डॉटेड डॉट वन प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें यही तो प्रूफ करना था बेटा। आ गई बात समझ में? अब ये वाला बस यही टर्म हमें करना है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था आपको सबसे पहले क्या करना था बेटा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस लेना था, एलएचएस और आरएचएस दोनों में मॉडुलस लेना है, उसके बाद क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजुगेट, हाउ टू सोल्व कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन आपके होते हैं सभी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको 100% ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम इसको बोले कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंजुगेट को हम जेड के ऊपर एक लाइन होता है, मतलब जेड के ऊपर बार खींच देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं या हम इसको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे दोनों से किसी टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है जेड के ऊपर बार होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा इसमें होता क्या है, तो सपोज करो बेटा आपको क्वेश्चन दिया होगा जेड इज इक्वल टू आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब हमें क्या करना होगा, जेड के ऊपर हम अगर लाइन खींच देते हैं इसी को क्या बोलेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर जेड के ऊपर हम लाइन खींच देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या होता है, रियल पार्ट में जैसा है वैसा ही रहता है, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है, हमेशा चेंज किस में होता है इमेजिनरी पार्ट में। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होगा तो उसका कंजुगेट पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये है कि कंजुगेट में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होता है, सिंपल सी बात है। कंजुगेट में क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी जो नंबर है उसका क्या होता है साइन चेंज होता है। यहां पर पॉजिटिव था तो कंजुगेट क्या हो गया निगेटिव हो गया, यही हमारा कंजुगेट का कंसेप्ट है। देखो तो आपको यह ध्यान रखना है कि रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है, कंजुगेट के केस में रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है, हमेशा चेंज किसमें होगा इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। तो अब चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं फिर फंडा क्लियर होगा। अगर मैंने बोला बेटा जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कंजुगेट। तो बेटा अगर हम जेड इक्वल टू टू प्लस आई है तो जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा टू माइनस थ्री आई हो जाएगा, यही होगा ना। ये जो जेड के ऊपर बार है इसको क्या बोलते हैं बेटा कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या हो गया, जो इमेजिनरी के साइन पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। चलिए एनदर एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर मैंने बोला जेड इक्वल टू टू माइनस थ्री आई फाइंड कंजुगेट, तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर जेड के ऊपर हम लाइन की मतलब कंजुगेट क्या होगा टू प्लस थ्री आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इमेजिनरी साइन क्या था निगेटिव था, अगर इमेजिनरी साइन निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा कंजुगेट के बाद, और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, मतलब जस्ट लाइक अपोजिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। चलिए अनदर एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं बात करूं कि जेड इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आई का क्या होगा कंजुगेट, और अनदर एग्जांपल अगर मैंने बोला जेड इक्वल टू माइनस थ्री आई का, तो देखो रियल पार्ट पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो कंजुगेट होगा सिर्फ किस पर फर्क पड़ेगा इमेजिनरी पर। तो यहां पर क्या है ये पॉजिटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री आई हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा बेटा जेड कंजुगेट क्या होगा माइनस टू प्लस थ्री आई। मतलब ये है कि जो रियल पार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ किसमें चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट पर चेंज होगा, ठीक है। मान लीजिए बेटा अनदर एग्जांपल जेड इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ थ्री है, तो इसका जेड कंजुगेट क्या होगा, जेड कंजुगेट क्या होगा थ्री होगा, क्यों, क्योंकि थ्री हमारा रियल पार्ट है और रियल पार्ट पर कंजुगेट का कोई असर नहीं होता, मतलब रियल पार्ट जैसा है वैसा ही होता है, सिर्फ किस पर चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट में होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, जेड इक्वल टू थ्री आई है, अगर हम यहां पे बात करें बेटा तो जेड कंजुगेट क्या होगा माइनस थ्री आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर
आई था इमेजिनरी है, और इमेजिनरी है तो कंजुगेट क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा उसका साइन, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव होता तो क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, चलिए एक अनदर एग्जांपल देखिए। अगर मैं बोलूं कि जेड इज इक्वल टू 1 + i, 1 - i, फाइंड कंजुगेट। अब इस कंजुगेट फाइंड करना है तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको रियल और इमेजिनरी टर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रियल एंड इमेजिनरी टर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारा क्या है, ऊपर भी आई है और नीचे भी आई है, और जब भी नीचे आई होता है मतलब डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाले टर्म में अगर आई होता है तो हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां भी कोई भी टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर आई का टर्म नीचे होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, तो देखो बेटा 1 + i, 1 - i, तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो नीचे वाला आई है, जो नीचे वाला टर्म होता है इमेजिनरी का, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 1 + i, 1 + अगर यहाँ प्लस होता ये दोनों जगह क्या होता, निगेटिव हो जाता, और यहाँ पर निगेटिव है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें a + b है और a + b है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और a - b है और a + b है बेटा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। ये फार्मूला हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम बेसिक टर्म तो आपको 9th में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो 1 + i, 1 + i तो हम लिख सकते हैं 1 + i का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर - i का स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab + 2ab / 1 का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अभी हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, चलो 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहां पर आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो जहां जहां आई स्क्वायर है हम क्या पुट करेंगे, -1 बेटा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां पर क्या होगा बेटा 2i, और 1 i² की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस में बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या हो गया 2i, 1 कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो 1 - 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा बेटा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, z = i बचा। अब हमारा क्या होगा, z = i है, तो अगर अब हम क्या कहेंगे बेटा, z का कंजुगेट क्या होगा, -i होगा। मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, कि z = 1 + i, 1 - i है बेटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, -i होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या सीखा बेटा, हमने ये सीखा कि जो कंजुगेट होता है सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होता है, रियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको प्रॉब्लम हमने इतना बताया, इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख लो। ठीक है, थोड़ा सा फिर से एक बार देख लो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसमें सिर्फ बताया कि जो इमेजिनरी के साइन है उसको चेंज नहीं करना है, किसको चेंज करना है, सिर्फ और सॉरी रियल के साइन में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होता है, इमेजिनरी के साइन में चेंज होता है। लेकिन जब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसको हमें रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करना है, फिर इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। ठीक है बेटा, चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नोट कीजिए बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या बेटा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इफ x + iy = a + ib √c + id, दोनों रूट अंडर है बेटा, देन प्रूव दैट x² y² = a² + b² / c² + d², यही हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, चलिए तो हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बताते हैं बेटा, कि जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है बेटा, तो हमें दिया हुआ है बेटा x + iy = a + ib / c +
आई डी ये दे दिया। अब हमें इसको क्या मानना है बेटा, इक्वेशन वन मान लेना है। क्या मान लेना है? इक्वेशन वन मान लेना है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड। इसमें क्या करना है बेटा, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, दोनों साइड हम कंजुगेट लेंगे। अगर दोनों साइड कंजुगेट लेंगे बेटा तो इमेजिनरी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो इमेजिनरी है मतलब आई वाई वाला, वो साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस आई बी और सी माइनस आई डी हो जाएगा। हमने इसको इक्वेशन टू मान लिया। अब हमें स्टेप वन में दिया हुआ था इक्वेशन, इसको वन मान लिया, और स्टेप टू में क्या किया, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड। अब स्टेप टू में क्या करेंगे बेटा, अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलएचएस को एलएचएस के साथ करते हैं, तो एक्स प्लस आई वाई, एलएचएस को एलएचएस के साथ करते हैं, एक्स माइनस आई वाई, यही होगा बेटा यहां पर, इज इक्वल टू, यहां पर रूट अंडर क्या होगा, ए प्लस आई बी, ऊपर वाले के ऊपर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ए माइनस आई बी, नीचे वाला सी प्लस आई डी, और यहां पर क्या होगा, सी माइनस आई डी। ठीक है बेटा, अब हम a प्लस आई बी और a माइनस आई बी क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो x स्क्वायर y स्क्वायर क्या होगा बेटा, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, और a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा, सॉरी a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही दोनों कंसेप्ट यूज करने हैं। तो जब यहां पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, यही होगा ना बेटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डायरेक्ट हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही हाल यहां पर भी होगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यही यहाँ पे हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमने यहाँ पर लिख दिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही टर्म हमें क्या करना था, यही टर्म तो हमें प्रूफ करना था। आ गया बेटा, तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था बेटा वैसे ही रहने दिया, उसके बाद हमने कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने के बाद एलएचएस वाले टर्म को एलएचएस के साथ मल्टीप्लाई किया और आरएचएस वाले टर्म को आरएचएस के साथ मल्टीप्लाई किया। तो एलएचएस क्या था, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, एलएचएस को एलएचएस के साथ मल्टीप्लाई, आरएचएस को आरएचएस के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ऑब्वियस है एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हाल यहाँ पर होगा, हमने दोनों साइड कर दिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब हमें क्या करना था बेटा, यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन तो हो गया, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इफ 3 अपॉन 2 प्लस cos x प्लस i sin x इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बेटा सबसे पहले हमें क्वेश्चन में हम इसको वहां पे ले जाते हैं, इसको यहां पे लाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 अपॉन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। हमने क्या किया, इसको वहां पे ले गया और वहां वाले टर्म को यहां पे ले आया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हम यहां पे इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन ए प्लस आई बी माइनस 2 इज इक्वल टू cos x प्लस आई साइन एक्स, यही लिख सकते हैं बेटा। अब हम इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2a माइनस 2ib, यही होगा बेटा, अपॉन क्या होगा, a प्लस आई बी इज इक्वल टू cos x प्लस
आई साइन एक्स, यही होगा। अब हमें क्या करना है बेटा, रियल वाले पार्ट को रियल साइड ले लिया, इमेजिनरी वाले साइड को अलग कर दिया। स्टेप टू में क्या करेंगे बेटा, ये तो हमारा स्टेप था कि हमने इसको यहां पे लाया, उसके बाद टू को इधर लाया बेटा, और हमने ये अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट को कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस लेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 3-2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर रूट अंडर, यही होगा ना बेटा माइनस, यहां पर क्या होगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, और यहां पर क्या होगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का रूट अंडर, दोनों साइड मॉडुलस ले लिया। अब हमें क्या करना होगा बेटा, यहां पर जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 + 4a² ठीक है, माइनस कितना होगा -2ab, तो 2 × 2 = 4a, 4 × 12 है, ये 12a हो गया, यहां पे क्या हो गया 4b², और यहां पर क्या होगा बेटा a² + b² रूट अंडर, रूट अंडर दोनों साइड है। cos स्क्वायर sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x कितना होता है बेटा 1 होता है, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, यहां पर आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² देखो 9 + 4a² -12a + 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं a² + b² यहां पर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा बेटा, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या होगा 4a² -12b + 4b² इज इक्वल टू a² + b², यही होगा बेटा, बिल्कुल होगा, स्क्वायरिंग करने पे दोनों का स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो यहां पर 4a, अब हम सबको एक साइड ले आते हैं बेटा, तो 4a² -12b + 4b² -a² - b² इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, तो 4a² a² हम इसको लिख सकते हैं 3a² 4b² माइनस, तो 3b² इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहां पर अगर हम बात करें 9 को उधर ले गए, ठीक है 9 को उधर ले गए, 12b को भी उधर ले गए, तो 9 - 9 + 12b यही होगा बेटा। अब हम 3 को कॉमन ले लिए, 3 को सभी से डिवाइड कर दिए, तो a² - b² माइनस क्यों, यहां पर b प्लस होगा ना बेटा 3b, 4b² - b² 3b², तो a² + b² इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहां पर -3 + 4b, यही तो हमें प्रूफ करना था, a² b² इज इक्वल टू 4b - 3, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां पर क्या हो गया a² + b² इक्वल टू 4b, ठीक है 4b - 3, यहां पर a है ना बेटा, तो हमें यहां पे कैलकुलेशन चेक करना होगा, तो 9 अगर एक सेकेंड अगर हमने कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं किया, 12a है, तो यहां पर 12a होगा, क्योंकि हमने यहां पर 12a था, हमने b लिख दिया था, ठीक है बेटा, यहां पर एक छोटा सा मिसप्रिंट था, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये 4a आ जाएगा, ठीक है, तो यही हमें प्रूफ हो गया, आ गया बेटा समझ में, हाँ या ना, मतलब यहां पर जो a² यहां पर 12a था, हमने क्या कर दिया था, उसको b लिख दिया था। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंजुगेट करना है, कंजुगेट करने के बाद LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कंजुगेट के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा कि हाउ टू सोल्व मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और उसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम सिंपल में शॉर्ट फॉर्म में MI लिखते हैं, ठीक है, MI का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बेटा ZA+IB है, ZA क्या है, A+IB है, अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा, तो 1/Z, मतलब जेड जो दिया है a+ib, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 1/Z हो जाएगा, मतलब हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा,
ए प्लस आई बी हो जाएगा। अब इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब हम सिंपल से क्या करना है कि जो भी जेड दिया हुआ है वन अपॉन जेड कर दीजिए, यही इसका क्या हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। सिंपल यू बोलिए कि अगर कोई टर्म है उसको ऐसा टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए जो वन आ जाए। आप यू समझ लीजिए या सिंपल सी भाषा याद रखिए कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे उसको वन अपॉन जेड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मान लीजिए कि इफ जेड इक्वल टू थ्री है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा वन अपॉन जेड होगा, मतलब थ्री का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा वन अपॉन थ्री हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने बोला इफ जेड इक्वल टू टू अपॉन सेवन फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा कि वन अपॉन जेड हो गया, मतलब वन अपॉन टू अपॉन सेवन, तो सेवन ऊपर चला गया बेटा, तो सेवन अपॉन टू क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। आ गया बेटा कंसेप्ट। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो भी जेड है उसको वन अपॉन कर लीजिए, वही आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर मैंने बोला जेड इक्वल टू वन प्लस आई, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा वन अपॉन जेड होगा, मतलब वन अपॉन वन प्लस आई लिख देंगे। अब जब भी आई का टर्म नीचे आएगा, मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि जब भी आई का टर्म नीचे आएगा हम हमेशा क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन में क्या होगा नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर प्लस है तो ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया बेटा वन माइनस आई और नीचे क्या हो गया वन का स्क्वायर आई का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा वन माइनस आई, वन का स्क्वायर कितना होता है वन होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा माइनस वन होगा, तो वन माइनस आई अपॉन क्या होगा टू होगा, ये क्या आ गया बेटा यही इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जो भी जेड दिया हुआ है वन अपॉन जेड कर दीजिए वही उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगर हमने ऐसा कुछ बोल दिया जेड इक्वल टू वन प्लस आई वन माइनस आई फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो हम क्या करेंगे बेटा सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेट जब सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे रियल और इमेजिनरी में, या तो आप पहले रेशनलाइजेशन कर लीजिए बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात होगी तो वन अपॉन जेड हो जाएगा, तो वन अपॉन वन प्लस आई वन माइनस आई हो जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा वन माइनस आई वन प्लस आई हो गया। अब हमारा क्या करेंगे इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन क्या होगा साइन अपोजिट हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ए वन का स्क्वायर वन माइनस यहाँ पर वन माइनस आई वन माइनस आई हो गया, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे बेटा वन माइनस आई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होगा बेटा। और वन का स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, तो जहां जहां आई स्क्वायर है वहां पर माइनस वन हम पुट कर देते हैं, तो यहां पर क्या होगा बेटा वन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस टू आई अपॉन वन वन कितना हो गया टू हो गया, ये कैंसिल हो गया माइनस टू आई अपॉन टू कैंसिल हो गया, तो ये आई माइनस आई होगा, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया बेटा माइनस आई होगा। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कोई भी टर्म हो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है वन अपॉन जेड कीजिए, अगर रियल है तो वन अपॉन जेड या इमेजिनरी वन अपॉन जेड, रियल में क्या होगा इरेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है जेड वन अपॉन जेड करने पे, अगर इमेजिनरी टर्म है तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, जो भी जेड दिया होगा जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी दिया है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा वन अपॉन जेड होगा, ठीक है बेटा।
चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। तो हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर का मतलब जान है, मतलब ये तो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पोलर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए हम पोलर फॉर्म के डिटेल फॉर्म बताने वाले हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे और इसको इसमें क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है, ठीक है। तो आप इस पोलर फॉर्म को ध्यान से देखना और इसके बेस पर पहले हम आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे और आपको फिर न्यूमेरिकल सोल्व करने वाला है, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे तब आपको फंडा क्लियर होगा कि हम पोलर फॉर्म में करेंगे कैसे, ठीक है। तो क्या होता है, क्या पोलर फॉर्म ए टू जेड में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखो, पोलर फॉर्म का मतलब होता है बेटा, आपको कोई इक्वेशन होगा जो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिया होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया होगा बेटा, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिया होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम एंगल में कन्वर्ट कर दें, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, यहां पर जो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंगल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एंगल में किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो ये जो जेड, ये जो फॉर्म है ना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। सबसे पहले ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, ए और बी क्या है, यहां पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, आपको इस फॉर्म में लाना है, यही हमारा पोलर फॉर्म होगा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए टू जेड हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वहां पर आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा यहां से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम मॉडुलस करते थे, मॉडुलस में क्या करते थे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर, ये हमारा आर हो गया। तो आपको सबसे पहले स्टेप वन में क्या करना है बेटा, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद अब स्टेप टू में क्या करना है बेटा, आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा कैसे फाइंड करनी है, क्या करनी है, वो हम क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। तो इस वर्किंग रूल में क्या है कि सबसे पहले आपको स्टेप वन में आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर कैसे फाइंड करेंगे, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम आपको क्वेश्चन में बताने वाले हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, और दोनों इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए। तो नोट नंबर वन, पॉइंट वन है बेटा, ध्यान से देखिए। आपको यहां पर मैंने एक रोटी लिया और उस रोटी को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, फोर पार्ट में। तो फोर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसमें तीन कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या क्या कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, बस ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अब हमारा ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस यहां पे निगेटिव होता है। ये बेटा वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस यहां पर निगेटिव होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक्स इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां पर बेटा इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां पर क्या बोलते हैं बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो यहां पर जो है ना, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है। यहां पर चेक कर लीजिए, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। सबसे पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है बेटा, ठीक है। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर जो थर्ड कंसेप्ट है कि यहां पर जो होगा ना, थीटा होगा, यहां पर थीटा होगा इस क्वाड्रेंट, यहां पर क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा, और यहां पर क्या होगा बेटा, इसका मिरर इमेज, मतलब सिर्फ बाहर में माइनस साइन लग जाएगा और इसमें भी माइनस थीटा होगा। तो आपको जो थर्ड वाला कंसेप्ट है ना, जो थर्ड पॉइंट है, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा और बेटा आना भी नहीं चाहिए।
ये तब समझ में आएगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अभी आपको ध्यान से देखोगे, जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपका फंडा 100% क्लियर होगा। अभी आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, तो आप जब क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा, 100% आप पोलर फॉर्म का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बस दो क्वेश्चन कम से कम आप देख लेना बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, नोट नंबर टू। अब देखो बेटा, आपका डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री होता है बेटा, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है बेटा, और 180 डिग्री होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो 180 को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो 90 को क्या बोलेंगे बेटा? पाई अपॉन टू। 180 मतलब पाई, और 180 अपॉन टू कितना होगा? 90 होगा बेटा। इसको क्या बोलेंगे? पाई अपॉन थ्री बोलेंगे। पाई मतलब 180, 180 अपॉन थ्री कितना होगा? 60 होगा। यहां पर क्या बोलेंगे बेटा? पाई अपॉन फोर बोलेंगे, और यहां पर पाई अपॉन सिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम टर्म होगा, मतलब 180 को पाई बोलते हैं। अब 90 डिग्री जहां आएगा वहां क्या लिखेंगे? पाई बाई टू के टर्म में आप लिखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए, अब ये दोनों पॉइंट को यूज करके हम यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपको पोलर फॉर्म का कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, एक क्वेश्चन बताऊंगा उसका फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट कीजिए बेटा अच्छे से इसको। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जेड इज इक्वल टू -1 -i, ठीक है। मान लीजिए जेड इज इक्वल टू -1 -i, फाइंड पोलर फॉर्म। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो गिवन है बेटा उसको लिख लीजिए। तो जेड इक्वल टू -1 -i दिया हुआ है। तो स्टेप वन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जेड इज इक्वल टू r cos theta + i r sin theta। सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म लिख देना है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले स्टेप वन में मैंने क्या बोला था, r की वैल्यू फाइंड करना है। तो r कैसे फाइंड करेंगे आप? यहां से r की वैल्यू क्या होगा? जो मॉडुलस होगा। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करते थे? -1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। आई की वैल्यू कोई नहीं, कोफिशियंट कितना है? 1 तो है ना। तो हम मॉडुलस में क्या करते थे? कोफिशियंट लेते थे, आई हम हट रिमूव कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा हमने मॉडुलस में सिखाया था डिटेल में कि आई की वैल्यू का, आई का कोफिशियंट लेते हैं। तो हमने यहां पे आई का कोफिशियंट ले लिया -1। तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, बोले तो आर की वैल्यू कितना, यहाँ पे आर की वैल्यू कितना होगी बेटा? आर इज इक्वल टू √2 हो गया। तो आर इज इक्वल टू √2 हो गया, ये बात तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि जहां जहां आर है, एक आर यहां पर है बेटा और एक आर यहां पर है, तो इन दोनों आर की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा? √2 cos theta + i √2 sin theta, यही होगा बेटा। हमने r की वैल्यू क्या किया, इन दोनों जगह पे पुट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे बेटा? थीटा फाइंड करने के लिए जो भी z की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है हम उसको लिख देंगे। तो -1 + i, z की वैल्यू क्या दिया हुआ है? -1 - i, ठीक है। z इक्वल टू -1 - i इज इक्वल टू √2 cos theta + i √2 sin theta, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो रियल वाला पार्ट है उसको रियल से इक्वेट करना है, यही काम करना है बेटा। मैंने क्या बोला, जो भी रियल वाला पार्ट है रियल से इक्वेट कर दीजिए। तो रियल वाला पार्ट क्या है? -1 = √2 cos theta, यही है ना बेटा। या आप रियल वाले को रियल से इक्वेट कर दीजिए, या इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से इक्वेट कर दीजिए। जो थीटा की वैल्यू आएगी दोनों से सेम आएगी बेटा, ठीक है। तो आपको दोनों से इक्वेट करने की जरूरत नहीं है बार बार, आपको रियल से रियल इक्वेट कर दीजिए। तो रियल से रियल इक्वेट कर दिया बेटा, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया? -1 / √2, और cos थीटा की वैल्यू 1 / √2 कितना होता है बेटा? 45 डिग्री। यहां से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हमारा थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 45 को और क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। अभी तो मैंने सिखाया था यहाँ पर कि जब 45 डिग्री होगा तो 180 मतलब पाई होता है, और पाई 180 अपॉन 4 कितना होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। तो अब हमने 45 डिग्री को पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, यहां तक तो क्लियर है। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया,
स्टेप वन में आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको जहां जहां आर है वहां पुट कर देना है। उसके बाद हमें जेड की वैल्यू यहां पर जो दिया है उसको लिख देना है और रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करना है। ठीक है बेटा, अब रियल पार्ट से इक्वेट करने के बाद यहां से थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेंट। यहां पर जो क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे कैसे। अब देखो क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पे जाएंगे। कैसे क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन में दिया होगा माइनस, यहां पे दिया हुआ है माइनस वन माइनस आई, तो फर्स्ट वाला नेगेटिव, सेकंड वाला भी नेगेटिव है, मतलब रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। और जब दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तो जब दोनों नेगेटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस थीटा, और बाहर माइनस लग जाता है। जो थर्ड वाला पॉइंट याद है ना, जब मैंने यहाँ पे जब आपको एक रोटी वाला जो एग्जांपल दिया था यहाँ पे, तो उसमें जो थर्ड पॉइंट क्या है, यही है पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस पाई माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा होगा। अब इस थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पे माइनस पाई अपॉन फोर हो गया बेटा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो माइनस यहाँ पर जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा। तो हमारी थीटा की वैल्यू कितना हो गई, माइनस थ्री पाई बाई फोर हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब बस आर थीटा, ये हमारा फाइनल थीटा है और ये आर की वैल्यू रूट टू है, आर इज इक्वल टू रूट टू, और ये थीटा हम जहां जहां आर और थीटा है पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, तो जेड इज इक्वल टू रूट टू कॉस थ्री पाई बाई फोर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई रूट टू साइन थ्री पाई बाई फोर, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यहां पर निगेटिव है तो एंगल को निगेटिव कर देंगे। तो एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से डिटेल बता रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले आपको कोई इक्वेशन दिया होगा, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना होगा, आपको सबसे पहले z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा में लिख दीजिए। सिंपल सा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा में लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड करना है। स्टेप वन में क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड करना है। आर क्या होता है, मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्या होता है बेटा, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर कर दिया तो आर की वैल्यू कितना हो गया, रूट टू हो गया। इस आर की वैल्यू को हमें मेन इक्वेशन में जो यहाँ पे आर है ना, दोनों आर की जगह पे आर इक्वल टू रूट टू पुट कर दिया। जब आर इक्वल टू रूट टू पुट कर दिया तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में बन गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप टू में जो भी जेड की वैल्यू है, यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस वन माइनस आई, तो यहाँ पर जेड की जो भी वैल्यू हमने लिख दिया, यहाँ इस जेड के जगह पर क्या किया, इस जेड की जगह पर क्या किया बेटा, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिख दिया। उसके बाद रियल पार्ट को रियल से इक्वेट किया, आप चाहे तो इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा बेटा। ठीक है, तो जब हमने रियल से रियल पार्ट को इक्वेट किया तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री, 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन फोर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब स्टेप थ्री में क्या करेंगे, फाइंड क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया होगा तो रियल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। मैंने अभी तो सिखाया था पॉइंट नंबर वन में जो नोट दिखवाया था, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस है, और माइनस माइनस क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस पाई माइनस थीटा। अब ये जो पाई है इसको पाई पे पुट कर दिया, यहाँ पर आ गया माइनस थ्री पाई बाई फोर, और ये थीटा है और ये हमारा आर है, बस आर और थीटा के जगह पे पुट कर दिया, और यही हमारा हो गया बेटा पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे पूछा जाता है बेटा, आर्गुमेंट पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और, ये तो पोलर फॉर्म का क्वेश्चन था, पोलर फॉर्म आपने यहाँ तक कर दिया। मान लीजिए यही क्वेश्चन ये भी बोल दे कि मान लो पोलर फॉर्म है और सेकेंड है आर्गुमेंट फाइंड करो, तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो आर्गुमेंट के लिए जो फाइनल थीटा होता है ना बेटा, उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो आर्गुमेंट कितना होगा, यहाँ पर जो फाइनल थीटा आया बोले तो माइनस थ्री पाई बाई जो फोर आया, ये हमारा क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन मतलब आर्गुमेंट होगा। तो पोलर फॉर्म का जो फाइनल थीटा होता है, क्वाड्रेंट के बाद वाला जो फाइनल थीटा होता है, इसको नहीं बोलेंगे फाइनल थीटा, जो यहाँ पे क्वाड्रेंट के बाद फाइंड करते हैं, तो जो फाइनल थीटा पोलर फॉर्म का होता है उसको क्या बोलते हैं,
आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आपका आर्गुमेंट आएगा तो भी यहां तक फाइंड करना होगा, पोलर फॉर्म आया तो इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है बेटा, तो अभी और एक दो क्वेश्चन कराएंगे फिर फंडा क्लियर होगा। तो आपको इससे क्लियर हुआ होगा, एक दो क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नोट कीजिए बेटा, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं पोलर फॉर्म का, कि z इक्वल टू 1 प्लस 7 आई 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड पोलर फॉर्म एंड सेकेंड पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट में पोलर फॉर्म, सेकेंड में फाइंड करना है बेटा आर्गुमेंट। ठीक है, तो दो क्वेश्चन दे दिया गया, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम जब क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में दिया होगा तो हमें इस फॉर्मेट को कैसे सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 7 आई 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे बेटा। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 7 आई a का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू आई, यही होगा बेटा। ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन 1 प्लस 7 आई यहाँ पर 4 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होगा और यहाँ पर क्या हो गया बेटा माइनस 4 आई। अब हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 7 आई अपॉन 3 माइनस 4 आई। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1 प्लस 7 आई 3 माइनस 4 आई। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन क्या होगा, रेशनलाइजेशन में मैंने बताया था कि जो भी नीचे वाला आई है उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर नीचे वाले का साइन निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे वाले का साइन अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ऊपर क्या होगा 1 इंटू 3 3 होगा, 1 इंटू 4 आई 4 आई हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 7 आई तो 7 इंटू 21 आई और यहाँ पर क्या हो गया प्लस 28 आई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस 4 आ का आई का स्क्वायर, यही होगा बेटा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। बस हमने यही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, अब हमें यहां पर जो भी टर्म दिया है हम पहले उसको सोल्व करते हैं। यहां पर क्या आ गया जे 3 प्लस 4i, तो 4i प्लस 20i कितना हो जाएगा बेटा 25i हो जाएगा, और यहां पर क्या है 3i प्लस 3 और i स्क्वायर इक्वल टू क्या माइनस 1 तो माइनस 28 होगा। ठीक है, अपॉन में क्या होगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 होगा। तो यहां पर जब सोल्व करेंगे तो माइनस 25 प्लस 25i हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा 25 हो जाएगा। जब हम इसको डिवीजन करेंगे तो क्या होगा माइनस 25 अपॉन 25 क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा प्लस 25i अपॉन 25। जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो माइनस 1 प्लस i हो जाएगा बेटा, तो z इक्वल टू हमारा क्या आ गया माइनस 1 प्लस i आ गया। अब हम इसका पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे, यहां तक तो सिंपल कैलकुलेशन था, अब हम इसका पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या था, हम इसको क्या लिखेंगे बेटा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, यही लिखना था बेटा, हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है हमेशा। ठीक है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो हमें स्टेप वन में क्या फाइंड करना है, स्टेप वन में हमें क्या करना है बेटा r की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगा मॉडुलस होगा, मॉडुलस कितना होगा माइनस 1 का स्क्वायर और i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितना आ गया बेटा, r इज इक्वल टू कितना आ गया रूट 2 हो गया। ठीक है, r की स्टेप वन में हम r ही फाइंड करते थे ना बेटा, तो r फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जब हमने r फाइंड कर लिया बेटा तो यहाँ पर z इक्वल टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये वाला जो पोलर फॉर्म है इन r की जगह पे पुट कर देंगे, एक r यहाँ है और एक r यहाँ है बेटा, तो क्या हो जाएगा रूट 2 cos थीटा प्लस i रूट 2 sin थीटा, यही होगा ना बेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा स्टेप नंबर 2, जो भी z की वैल्यू दिया है उसको पुट कर दीजिए। z की वैल्यू क्या दिया है माइनस 1 प्लस i, अब इस z को भूल जाना है आपको। ठीक है, अब आपका z ये है और इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना है, तो माइनस 1 प्लस i, तो यहां पर क्या हो गया माइनस 1 प्लस i इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा
प्लस आई रूट टू साइन थीटा। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करना है या इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट करना है। तो रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर दिया तो माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन रूट टू आ जाएगा। यहां से वन अपॉन रूट टू कब होता है बेटा, 45 डिग्री पे। और 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई फोर लिख सकते हैं। यही लिखते हैं ना बेटा, 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई फोर लिख सकते हैं। अब हमें स्टेप नंबर थ्री में क्या करना होगा, क्वाड्रेंट फाइंड करना होगा, फाइंड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो जो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है उसी के बेसिस पे फाइंड करते हैं। तो रियल वाला निगेटिव है, इमेजिनरी वाला पॉजिटिव है, मतलब माइनस प्लस। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितना है, पाई अपॉन फोर है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, थ्री पाई बाई फोर। तो हमारे पास आर की वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू फाइनल पता चल गया, कितना, थ्री पाई बाई फोर। तो हमारा पोलर फॉर्म क्या होगा, बस इसमें आर की जगह पे कितना पुट कर दीजिएगा, आर के जगह पे रूट टू पुट कर दीजिए और थीटा के जगह पे थ्री पाई बाई फोर पुट कर दीजिए। तो आर मतलब जेड इक्वल टू रूट टू कॉस थ्री पाई अपॉन फोर प्लस आई रूट टू साइन थ्री पाई बाई फोर। और यही हमारा क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपसे सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा, आर्गुमेंट क्या होगा। आर्गुमेंट में मैंने क्या बोला था, जो फाइनल थीटा होता है वही आर्गुमेंट होता है। तो यहां पर आर्गुमेंट क्या होगा, 3 पाई बाई 4। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आर्गुमेंट का मतलब जो फाइनल थीटा होता है, ठीक है, मतलब जो फाइनल हम क्वाड्रेंट फाइंड करने के बाद। तो आर्गुमेंट हो गया 3 पाई बाई 4 और पोलर फॉर्म हो गया रूट टू कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आई रूट टू साइन 3 पाई बाई 4। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको सोल्व कर लेना है। सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट में लाना है जेड इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। हमें इस फॉर्मेट से सबसे पहले रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करना है और रियल इमेजिनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपल को इसी फॉर्म में हम सॉल्व कर देंगे। तो नोट कीजिए, भी और भी एक दो क्वेश्चन बताऊंगा फिर फंडा 100% क्लियर होगा। नोट कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, जेड इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब हम इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना है, फाइंड पोलर फॉर्म। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल सा वही कंसेप्ट है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा के फॉर्मेट में लिख दीजिए। अब आपको स्टेप वन में सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आर की वैल्यू फाइंड करना है बेटा। तो आर क्या होगा, आर यहाँ पे तो रियल है, इमेजिनरी तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर, रियल का ये स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी 0 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। और 9 बोले तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस आर की वैल्यू जहां जहां आर है उसमें पुट कर दीजिए। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, 3 कॉस थीटा प्लस आई आर सॉरी आई 3 साइन थीटा, यही होगा। अब जेड की वैल्यू जो दिया है उसको पुट कर दीजिए। तो स्टेप टू में क्या करते हैं बेटा, जो भी जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है। तो 3 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस आई 3 साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, रियल वाले पार्ट को रियल से इक्वेट कर दीजिए। तो रियल वाला पार्ट यहां पर क्या है, ये 3 है और यहाँ पे 3 cos थीटा। तो 3 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 अपॉन 3 बोले तो 1, 3 अपॉन 3 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब थीटा इक्वल टू कितना, cos थीटा 1 कब होता है, cos थीटा 1 होता है 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर एंगल कितना आ गया बेटा, 0 डिग्री। तो यहां पर एंगल 0 डिग्री हो गया, मतलब हम ये बोल सकते हैं बेटा कि अगर थीटा 0 है और आर, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 क्या होता है, क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या यही होगा, 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो जेड इज इक्वल टू थीटा हमारा 0 डिग्री होगा। तो r की वैल्यू यहां पर कितनी है, r इक्वल टू 3 है, थीटा इक्वल टू 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 cos थीटा प्लस i 3 sin थीटा। लेकिन थीटा कितना है, 0 है, तो हम यहां लिखेंगे 3 cos
जीरो डिग्री प्लस आई थ्री साइन जीरो डिग्री, और यही हमारा क्या होगा, पोलर फॉर्म बोला जाएगा। ठीक है बेटा, यही हमारा पोलर फॉर्म होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए बेटा, अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं, आप खुद एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इफ जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री होगा तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, फाइंड पोलर फॉर्म। आप इसका एक बार पोलर फॉर्म खुद फाइंड करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका एंगल क्या होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई वन माइनस आई। आपको फाइंड करना है बेटा, सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करना है, सेकेंड में आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है बेटा, और थर्ड आपका है पोलर फॉर्म, इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, अब तीन क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। तो मैं बोलूंगा आप सबसे पहले पोलर फॉर्म फाइंड कर लीजिए, पोलर फॉर्म फाइंड कर लेंगे वही आपका ए टू जेड, उसके अंदर तीनों आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ है आप उसको सबसे पहले रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रियल और इमेजिनरी टर्म में कन्वर्ट करना है। तो रियल इमेजिनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन में मैंने बताया था जो भी आई का साइन है वो क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट साइन हो जाएगा, मतलब निगेटिव है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बेटा, वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, टू इंटू ए इंटू बी, यही होगा बेटा। वन स्क्वायर वन, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है। ठीक है, अब हमने जहां जहां वन का स्क्वायर वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन प्लस टू आई अपॉन वन प्लस वन हो गया, यही होगा बेटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया माइनस वन से वन, यहाँ पे क्या हो गया है, टू आई अपॉन नीचे कितना हो गया, टू, टू टू कैंसिल हो गया, क्या बचा, जेड इक्वल टू आई बच गया। अब हमें इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना है बेटा। ठीक है, इसका पोलर फॉर्म फाइंड करना है जेड इक्वल टू आई का। तो ध्यान से देखिए, अब हम सबसे पहले जेड इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो हम जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखेंगे प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो इसमें आर फाइंड करेंगे स्टेप नंबर वन में, आर क्या होता है बेटा, मॉडुलस होता है, मतलब आप जो आर फाइंड कर रहे हो वही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आर इक्वल टू कितना होगा बेटा, यहाँ पर मॉडुलस क्या कोफिशियंट कितना है, वन है। ठीक है, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन का स्क्वायर कितना होगा, रूट अंडर वन, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, वन। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आ गया, मतलब मॉडुलस क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर को ही हम बोलते हैं बेटा मॉडुलस। तो मॉडुलस कितना हो गया, वन हो गया, फर्स्ट का आंसर तो हो गया। अब इस आर की वैल्यू को हम इन दोनों जगह पुट करेंगे बेटा, कहां कहां पर बेटा, जहां पर आर दिया हुआ है। तो यहां पर जो पुट करेंगे बेटा, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, वन कॉस थीटा प्लस वन साइन वन आई साइन थीटा, यही होगा बेटा। अब हमें वन की वैल्यू, जेड की जो भी वैल्यू दिया है लिख देंगे यहां पर, तो जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहां पर क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, तो यहां पर रियल पार्ट कितना है, जीरो है, तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, जीरो इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय टू होता है, 90 डिग्री बोलिए या पाई बाय टू बोलिए, दोनों सेम है बेटा। तो यहां पर थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। इसके बाद हमने क्या बोला था, क्वाड्रेंट फाइंड करना था। ठीक है, स्टेप नंबर टू हो गया यहां पर। अब स्टेप नंबर थ्री में क्या बोला था बेटा, क्वाड्रेंट फाइंड करने, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, तो यहां पर रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा जो होता है वही फाइनल होता है, तो थीटा कितना है, पाई बाय टू। तो ये जो पाई बाय टू आ गया, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, जो फाइनल थीटा आता है पोलर फॉर्म का उसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। यहां से क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट कितना आ गया, पाई बाय टू, मतलब फर्स्ट का आंसर मॉडुलस कितना है, वन, सेकेंड आर्गुमेंट कितना है, पाई अपॉन टू, मतलब। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, फाइनल थीटा भी आ गया है और आर की वैल्यू भी आ गई है, बस इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, जेड, आर की वैल्यू कितना है बेटा, वन है, तो वन इंटू
cos थीटा की वैल्यू कितना है पाई अपॉन टू प्लस आई साइन पाई अपॉन टू, और यही हमारा क्या हो गया पोलर फॉर्म हो गया। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलेंगे पोलर फॉर्म। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको मॉडुलस आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म पूछेगा तो आप अगर पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं तो इसके अंदर दोनों टर्म आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो भी होगा आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पोलर फॉर्म का कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस आई वाई प्लस इनटू 3 प्लस 5y इज द कंजुगेट ऑफ माइनस एक्स माइनस 24y। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो आपको सबसे पहले यहां पर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हम उसको गिवन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहां पर क्या है x माइनस आई वाई थ्री प्लस फाइव आई इज इक्वल टू क्या, अगर इज द कंजुगेट ऑफ, मतलब ये जो दिया हुआ है उसका कंजुगेट है, यही कंडीशन क्या करे, ये इतना इज द कंजुगेट ऑफ माइनस एक्स माइनस 24 है, तो हमने यहां पर कंजुगेट लिख दिया जो कंडीशन दिया हुआ था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3x हो जाएगा बेटा, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 5ix हो जाएगा, फिर iy को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3iy और यहां पे क्या होगा माइनस 5i2y हो जाएगा, और कंजुगेट है तो ये माइनस 6 जो इमेजिनरी का साइन है क्या हो जाएगा बेटा चेंज हो जाएगा। जब कंजुगेट हो रहा है तो कंजुगेट जब होता है तो क्या होता है इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है बेटा, और कुछ तो होता नहीं, यहां पर हमने माइनस 6 प्लस 24i हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है रियल वाले पार्ट को रियल के साथ ले लेते हैं, यहां पे पहले सॉल्व कर लेते हैं 3x, ये यहां पर i कॉमन ले लिया, इन दोनों में i कॉमन लिया बेटा तो 5x माइनस 3y और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो यहां पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है यहां पर रियल वाले टर्म को रियल के साथ ले लेते हैं तो x प्लस 5y प्लस i 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24i। आ गया बेटा, अब हमें क्या करना है रियल वाले पार्ट को रियल से इक्वेट करना है, इस वाले पार्ट को इससे इक्वेट करना है और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट कर देना है, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बेटा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आ गया बेटा समझ में, तो इस इक्वेशन को तो सोल्व कर लेंगे ना, यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहां से जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इफ 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i के पावर m इज इक्वल टू 1 then find the least positive integral value of m, इसका मतलब ये हुआ कि m की least positive integral value क्या होगी जो कि इसकी value 1 के बराबर आ जाए, बस यही question है। ठीक है, तो हमें जो question दिया हुआ है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, तो बेटा 1 plus i 1 minus i का whole power m है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा बेटा कि सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, जब भी हमारा i का टर्म नीचे मिलेगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर i का टर्म नीचे मिलता है तो हम हमेशा उसको रेशनलाइजेशन करते हैं, तो रेशनलाइजेशन क्या होगा 1 प्लस i 1 प्लस जो साइन होगा क्या होगा चेंज हो जाएगा बेटा, साइन चेंज होगा ना, बिल्कुल सही। अब यहां पर क्या हो जाएगा m होगा बेटा, अब ध्यान दीजिएगा अब ऊपर क्या हो गया a प्लस 1 प्लस i का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा बेटा 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर और पावर m तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब हम a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पर 1 और माइनस 1 हो जाएगा और होल पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 1 i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2i
अपॉन 1 प्लस 1 का होल पावर m हो जाएगा। यहां पर कैंसिल हो गया, 2i अपॉन 2 का होल पावर m हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, i के पावर क्या हो गया, i का पावर क्या होगा बेटा, m होगा। ये तो अब हमारा ये आ गया कि i की वैल्यू m हो गई, i के पावर m हो गया। अब हमें m की वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, m के जगह पर ऐसा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू रखनी है। तो हम अब यदि बेटा इफ m इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो i के पावर 1 क्या होगा, i मतलब ये कंसीडर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें क्या लेना है, 1 आना चाहिए हमें i के पावर। अगर m की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो हमारे कितना आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हमने i की m की वैल्यू 2 लेते हैं तो i स्क्वायर माइनस 1 मतलब m इक्वल टू 2 भी हमारा कंसीडर नहीं किया जाएगा, सॉरी i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। अगर m इक्वल टू 3 लेते हैं तो माइनस i हो जाएगा, m इक्वल टू 3 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। यदि हम बेटा अगर m की वैल्यू 4 लेते हैं तो 1 आता है, मतलब ये 1 कब आएगा जब m की वैल्यू 4 लेंगे। m की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कब होगी बेटा, जब m इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। यही हमारा आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आप इसको नोट कीजिए बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई के पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है। और इफ z1 इक्वल टू 1 प्लस आई एंड z2 इक्वल टू 1 माइनस आई है तो हमें रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कंजुगेट फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 का कंजुगेट एंड z1 प्लस z2 माइनस 1 z1 माइनस z2 प्लस 1 इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है 1 माइनस आई के पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x, हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, हमें मतलब हमें नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर क्या होगा, ये किसका सिंबल है, मॉडुलस का सिंबल है, तो मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, पावर में यहां पर x है तो यहां पर पावर में हमने लिख दिया x, कोई दिक्कत, 1 प्लस 1 2 होगा तो रूट 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर x हो गया, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 अपॉन 2 का x इज इक्वल टू 2 के पावर x हो गया। अब हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 के पावर x, यही होगा ना। अब हमें बेटा यहां पर अगर ये दोनों बेस सेम होता है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो पावर क्या है हमारे पास, x अपॉन 2 इक्वल टू x है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2x, फिर एक साइड ले आएंगे तो 2x माइनस x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू आया क्या, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन आया, नहीं आया, मतलब x की वैल्यू कोई 1 2 3 4 5 आया, नहीं आया। जब नहीं आया हम इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, हमारा इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इफ z1 इक्वल टू 1 प्लस i एंड z2 इक्वल टू 1 माइनस i है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कंजुगेट, तो सबसे पहले हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं z1 z2 कंजुगेट, तो z1 क्या है बेटा, 1 प्लस i, z2 कितना है, 1 माइनस है, उसका कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट करने पर इसका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 प्लस i का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i, ये कैंसिल होके क्या बच गया बेटा, 2 हो गया। तो अब हम बोलेंगे कि हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कंजुगेट कितना होगा, रियल पार्ट तो यहां पर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2i हमारा आया, इमेजिनरी पार्ट है, तो इस क्वेश्चन का रियल पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटा, z1 z2 कंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट यहां पर होगा 2, ये भी क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि जो i के साथ होता है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर i के साथ क्या है, 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का,
तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, Z1 Z2, इसका मतलब ये हुआ कि हम Z1 Z2 की जो भी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद ऊपर वाले का ऊपर मॉडुलस फाइंड करेंगे, नीचे वाले का नीचे मॉडुलस फाइंड करेंगे। मतलब ये है कि Z1 की वैल्यू दिया है 1 + i + Z2। Z2 कितना है बेटा? 1 - i - 1। Z1 कितना है? 1 + i - 1 + i + 1। अब इसका मॉडुलस ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, i से i कैंसिल हो गया, 1 से 1 ऊपर 1 हो गया, नीचे क्या होगा बेटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2i + 1 हो गया, यही बचा बेटा। अब हम ऊपर वाले का ऊपर मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, नीचे वाले का नीचे, ऊपर 1 कितना हो गया, 4 + 1, बोले तो 1/√5 हमारा आंसर आ गया। ये मॉडुलस का सिंबल है, हमने मॉडुलस सॉल्व कर दिया। मतलब ये है कि हमने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चा पार्टी, मैंने आपके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपको समझाया। पूरा लेक्चर अगर आप देखे होंगे बिना स्किप किए हुए तो 100% आपको समझ में आया होगा। तो आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नोट नहीं किए तो फिर से प्ले करके नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो आपको कहाँ, आपको वहां पे नोट्स आप देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर आपके लिए लेक्चर लाया था, और इसी तरह पूरे 11th और 12th का लेक्चर वीडियो मैं लाऊंगा टोटल, और क्या पता आप जब देख रहे हो तब तक आ चुका हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए एकदम अभी मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ एक ही काम है, लाइक और सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करना तो बेटा बनता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर यहां तक वीडियो देखे हैं और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दिए, चलिए थैंक यू सो मच। अब यहां पर हम जो ये क्वेश्चन देखने वाले हैं बेटा, हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक मेथड है जो जनरल मेथड है, मैं इसको भी बता दूंगा, और एक है ट्रिक्स के थ्रू कि आप एक सेकेंड में उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ट्रिक्स से देखना चाहते हैं तो पहले एक ट्रेडिशनल मेथड समझा देता हूं यहां पर, और अगर आप कंपटीशन में ट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो एक सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक्स बाद में बताते हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं बेटा। तो देखो इसमें क्या है कि स्टेप वन में जो भी, देखो या तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में पूछेगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 4i, या इसी चीज को बोलेगा बेटा सोल्व रूट के अंदर -3 + 4i। रूट के अंदर दे दिया मतलब स्क्वायर रूट है, और अगर रूट के अंदर नहीं दिया तो बाहर बोलेगा कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, स्टेप वन में z = -3 + 4i अगर यहाँ पे दिया है तो भी लिखेंगे, अगर ऐसे दिए तो भी ऐसे लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आपको क्या लिखना होगा, z = -3 + 4i, ये बात तो क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू क्या होती है, x + i/y होती है, हमने z की जगह पे x + i/y लिख दिया। उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करके सॉल्व कर दिया, रियल वाले पार्ट को एक तरफ कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लिया, रियल रियल से इक्वेट कर दिया, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट कर दिया बेटा, ये जो रियल है रियल से इक्वेट कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला कि x² y² का होल स्क्वायर होता है बेटा x² - y² का होल स्क्वायर + 4x² y², ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x² y² x - y² की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर -3, और यहाँ पे 2xy, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2xy² और 2xy की वैल्यू हमें पता है कितना 4, हमने इसकी और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया, पुट करके सॉल्व कर दिया यहाँ पर आके x² y² = 5, यहां तक तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। अब x और y की वैल्यू आने के बाद भी हमारा कंसेप्ट बचा रह गया, ठीक है। तो क्या है, ध्यान से सुनना, अब ये वाला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर x² y² की वैल्यू निगेटिव है, मतलब ये वाली वैल्यू x² + y² की वैल्यू अगर निगेटिव आती है यहां पर, मतलब कि यहां पर अगर x² y² की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तब हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर निगेटिव आती है बेटा तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू निगेटिव लेंगे, और अगर x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव आती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दोनों का सेम लेंगे, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, y पॉजिटिव तो x पॉजिटिव, या x निगेटिव तो y निगेटिव, पिक्चर क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिक्स के थ्रू, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको 100 ट्रिक्स में बताना है, एक सेकंड में बनाना है,
तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको शॉर्टेस्ट के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमने एक आपको कंसेप्ट बता दिया कि a प्लस ib है, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, तो आपको स्टेप वन में क्या करना है बेटा, जो ये वाला टर्म है ना उसको 2 से डिवीजन करना है, जो इमेजिनरी वाला टर्म है जिसमें i लगा हुआ है उसको 2 से डिवीजन करना है। 2 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई टर्म बनेगा, हमने उस टर्म को बी बाई टू मान लिया, ठीक है। अब इस टर्म का हमें फैक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो सी स्क्वायर डी स्क्वायर ले लिया, दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे, जैसे मैंने बोला सी और डी ले लिया हमने फैक्टर, तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करने पे जो ए आना चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है बेटा। क्या मैंने बोला, अगर फैक्टर वैसा बनाना है जिसका इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके माइनस करने पर, स्क्वायर करके माइनस करने पर बेटा ये वाला टर्म रियल वाला टर्म आना चाहिए, अगर ऐसा आता है तो हमारा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस जो फर्स्ट टर्म ए प्लस आई बी, यही हमारा आंसर होगा। आगे बात समझ में बेटा, चलिए यहां पर देखिए, अगर मैंने बोला यहां पर अगर मैं बात करूं कि 7 - 24i हम क्या लिखेंगे, यहां पर इसको डिविजन करेंगे बेटा, अगर 2 से डिवीजन करेंगे तो कितना होगा 12 होगा, कितना होगा बेटा 12 होगा। इस 12 को अब हम दो फैक्टर बनाएंगे तो आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी, एक तो आ रहा होगा 4 और 3 और एक आ रहा होगा बेटा 12 का 2 और 6 यही आ रहा है, लेकिन आप इसमें से वो सेटिस्फाई होना चाहिए जिसका स्क्वायर करके माइनस करने पर ए आना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म कितना होगा 16 - 9 बोले तो 7, ये वाला टर्म आ गया, मतलब ये वाला टर्म सेटिस्फाई करेगा, ये वाला टर्म नहीं करेगा, चेक कर लीजिए उसमें नहीं होगा सेटिस्फाई, मतलब ये है कि हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये 4 प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4 - 3 है, यही हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो गया। आगे बात समझ में बेटा, बहुत ही आसान है, इसी तरह आप ये दोनों भी क्वेश्चन सोल्व करके आप बता सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट, अगर हाँ एक बात और, अगर आप आईटीजी के और भी शॉर्ट ट्रिक्स देखना चाहते हैं और भी शॉर्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जितने भी आईटीजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हमने प्लेलिस्ट में बना के रख दिया है शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा शॉर्ट ट्रिक्स, तो जितने भी आईटीजी के क्वेश्चन है उसमें सभी क्वेश्चन को 1 सेकंड में सोल्व करने का प्रोसेस बताया गया है, मतलब आप बहुत ही कम सेकंड में आप उसको सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन है जो बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हैं, तो प्लीज आप एक बार जाकर विजिट कर लीजिए और जरूर उस क्वेश्चन को देखो, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताए गए और आप आगे जो न्यूमेरिकल आने वाला है उसके लिए भी कंसेप्ट बताया गया, तो प्लीज आप जाके देखिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो पूरी लेक्चर वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कर दिए सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए यार, अब तो बनता है ना, चलो नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।